अरे कल हमने चैप्टर नंबर 7 का एक क्विक रिव्यू लिया था, जिसमें हमने कंपेटिटिव इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था। और कल की जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक मॉडल कंप्लीट कर लें, और एक्सटर्नल मॉडल सिर्फ एक ही था, दैट वाज पोर्टर 5 फोर्सेस। उसके बाद हमने दो इंटरनल मॉडल डिस्कस किए थे, जिनमें से एक मॉडल का नाम BCG था, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, वो भी इंटरनल एनालिसिस था। और उसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट मॉडल था हमारे पास PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चूँकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्लाइड नहीं आता, तो इसलिए मैंने उसका आपको सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड की थी, ताकि आप उसको किताब से एक मतलब अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें। बेस मैंने प्रोवाइड कर दी थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनल एनालिसिस मोर इन डिटेल। और जो टॉपिक हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर के तमाम कॉन्टेंट आपके सामने है। छोटे छोटे सिर्फ यूनिट शायद मैं डिस्कस नहीं करता, जो कि रिवीजन क्लास है, इतना टाइम तो अवेलेबल नहीं हो सकता हमारे पास, लेकिन फिर भी ये तमाम की तमाम चीज़ें हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मार्क्स के साथ आ सकती हैं। तो बेंचमार्किंग इज़ टुडेज टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरनल एनालिसिस। मतलब बेंचमार्किंग क्या होती है, सबसे पहले हम बेंचमार्किंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। बेंचमार्किंग होती है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना। मैंने क्या कहा बच्चे? टू फॉलो अदर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? एक कोई रीजन तो होगी ना बच्चे। मैं यहां पर सबसे पहले इसका कंटेंट लिख दूं, एंड देन मैंने कहा है कि हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, फॉलो। फॉलो करने की दो रीजन है। रीजन नंबर वन, कंपैरिजन, यानी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। बच्चे क्या ख्याल है, कहीं हम बेहतर होंगे, कहीं वो बेहतर होंगे? मिसाल के तौर पर किस किस चीज को कंपेयर कर सकते हैं? एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंसी, सेल, अपनी फंक्शनैलिटी, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस, यही कंपेयर करेंगे ना हम कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 400 इंप्लॉई हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 450 इंप्लॉई हैं। इसका मकसद ये हुआ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेंस ज़्यादा होंगे ना, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी मेरी ज़्यादा है, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज़्यादा है और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो इट मीन्स कि देर इज समथिंग रॉन्ग। हालांकि मैं 50 लोगों की सैलरी भी कम दे रहा हूँ, इसके बावजूद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, तो आई हैव टू कंपेयर माई सेल्फ विद दैट कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं बेंचमार्किंग, ऑल ऑफ यू। लेकिन अब बच्चे आप करेंगे क्या, कंपैरिजन करने के बाद जहां जहां आपको लग रहा है कि आप कम हैं, आप वीक हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? आपको दूसरे की वो वाली चीज अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो आपने उसकी बुनियाद पर डेवलप स्ट्रेटजी करनी है अपनी। आई एम सॉरी, डिवेलप स्ट्रेटजी। तो हमने स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करनी है उसकी बुनियाद के ऊपर कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ये काम परफॉर्म करना है, और किस तरह से अब हम उस तमाम के तमाम डेफिशिएंसीज को बेहतर कर सकते हैं जो हम फेस कर रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। फाइन जी, आप जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू चेक ऑर्गेनाइजेशनल करंट परफॉर्मेंस और टू फॉलो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, इज इट राइट? तो बड़ा आसान सा छोटा सा एरिया था जी बेंचमार्किंग का, कि बेंचमार्किंग क्या होती है। इसकी चार मुख्तलिफ तरह की बेंचमार्किंग होती है। एक इंटरनल बेंचमार्किंग होती है, एक कंपेटिटिव बेंचमार्किंग होती है, और एक आपके पास स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग होती है। एनीवन हैविंग द डिफरेंस? यू कैन से, असल में इंटरनल बेंचमार्किंग का डोमेन काफ़ी बड़ा है। मिसाल के तौर पर मेरी एक ब्रांच लाहौर में है, मेरी दूसरी ब्रांच कराची में है, मैं लाहौर को कराची से कंपेयर करूंगा कि लाहौर बेहतर जा रहा है, कराची बेहतर क्यों नहीं जा रहा? आई हैव डू कंपेयर विद दैट, क्या ख्याल है? फिर मेरे पास दो अकाउंटिंग फंक्शन है,
मैंने अपना अकाउंटिंग फंक्शन लाहौर में भी अप्लाई किया हुआ है, मेरा अकाउंटिंग फंक्शन इस्लामाबाद ब्रांच में भी है, लेकिन लाहौर का अकाउंटिंग फंक्शन इज़ वेरी यू कैन से अप्रोप्रिएट, लेकिन इस्लामाबाद का जो मेरा अकाउंटिंग फंक्शन है वो थोड़ा वीक है। तो आई दोनों कंपेयर करना पड़ेगा ना, फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा क्या, अगर लाहौर वाले बेहतर जा रहे हैं तो मैं इस्लामाबाद वाले से कहूँगा यार इनको फॉलो करें, इनको देखें ये कैसे काम कर रहे हैं। ये है इंटरनल बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग होती है जब आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को कंपेयर करवाते हैं, ये होती है स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। फॉर एग्जांपल बच्चे, मैं आपको अपनी एक मिसाल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल केएफसी है, वो अपने से रेलेवेंट किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करेगी जो बिल्कुल सेम वही काम कर रही है। शायद मैकडोनल्ड को देख रहे हो, अगर मैकडोनल्ड को लग रहा है कि उनकी सेल बढ़ रही है और केएफसी की सेल जो है वो कम है, तो केएफसी वाले मैकडोनल्ड की उस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करेंगे। मैं इसकी आपको मिसाल दे देता हूँ। आपने देखा होगा कभी भी पेप्सी की प्राइस जो है वो उस वक्त 100 रुपीज़ से प्लस चली गई है। इस वक्त आलमोस्ट पेप्सी की जो 1.5 लीटर की बोतल है वो तकरीबन 110 रुपये की, 120 रुपये की आई गेस। लेकिन अगर आज पेप्सी 10 रुपीज़ की हो जाए तो कोक उसी दिन 10 की हो जाएगी। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि अगर आज हमने ये काम ना किया, आज हमने ये प्राइस कम ना की, तो सारी अगले एक महीने की सेल पेप्सी ले जाएगी। तो दे हैव टू चेंज देयर पॉलिसी तो इमीडिएटली। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बड़े यू कैन से कॉन्टीन्यूस बेसिस के ऊपर अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को कंपेयर करती रहती है। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स कि जनाब कि क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन से लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग सेटिस्फाइड नहीं है कस्टमर, तो डेफिनेटली दे विल फॉलो मी कि मैं आखिर मैं कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे कस्टमर मुझसे मुतमाइन हो जाएं। समटाइम प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है लेकिन नॉट नेसेसरी कि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई भी हो। ठीक है भाई, तो ये है असल में बेंचमार्किंग की बेसिक थीम, बेसिक कॉन्सेप्ट। ऑल ऑफ यू, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं बचे? नाउ द सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज वैल्यू चेन। ये मॉडल जो है अल्टीमेटली शायद बहुत लो लेवल पे अप्लाई होने के लिए भी आ सकता है, बहुत लो लेवल के ऊपर, बहुत हाई लेवल पे नहीं। सी फैब में तो ये बहुत अच्छे लेवल पे आता है, लेकिन आपके लेवल पे ये जिस लेवल पे जिस अंदाज से आएगा, मैं उसी अंदाज से आपको यहां पर लर्निंग भी करा दूंगा, उसी अंदाज से आपको पढ़ा भी दूंगा। फाइन, सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू चेन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। व्हाई डू वी यूज़ वैल्यू चेन? मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात याद कर लीजिए कि वैल्यू चेन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कंपेटिटिव एज लेना। क्या लेना बच्चे? कंपेटिटिव एज, लेकिन किस तरीके से? अपने इंटरनल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करके। मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चे कि आपने कंपेटिटिव एज लेना है किस तरह से? अपने इंटरनल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करके, उनको बेहतर करके आपने कंपेटिटिव एज लेना है। और ये आप और मैं जानते हैं बच्चे कि कंपेटिटिव एज इंटरनल मैटर से ही आएगा। आपके पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपके पास कितना कॉम्पिटेंट स्टाफ है, आपके पास कितनी प्रोडक्शन लाइंस हैं, आपके पास आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये आप पर डिपेंड करता है ना बच्चे। लेकिन आप एक बात तो बताइए कि अगर मैं ये बॉक्स बनाने के लिए कपड़ा जो है वो एक मशीन में डालता हूँ, 100 बॉक्सेस बनाने के लिए, ये पाउच बनाने के लिए मैंने मशीन में कपड़ा इंसर्ट किया और मेरी मशीन इसमें से 10 पाउच ख़राब कर देती है कपड़े को, सिर्फ 90 प्रोड्यूस करती है, तो क्या ख्याल है? कॉस्टिंग में तो आपने जितना रॉ मटेरियल डाला था उसकी पूरी डिवाइड करेंगे ना 90 के साथ उसको, तो जब आप देखिए उसमें 90 पे डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी ना। लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी है जो कि मेरी कंपेटिटर है, वो 100 पाउचेस का कपड़ा मशीन में इंसर्ट करते हैं और उससे 99 बनते हैं। जब बच्चे वो डिवाइड करेंगे उनकी कॉस्ट कम ही आएगी, है ना बच्चे? इसका मकसद ये हुआ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास किस चीज़ की कमी है? मेरे पास आउटडेट टेक्नोलॉजी है जो ये काम परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर रही। ऑल ऑफ यू, अब मेरे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे स्टाफ के दरमियान में हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। आपको मालूम है जब स्टाफ में कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो टाइम ज़ाया होगा कि नहीं होगा? तो प्रोडक्शन टाइम ज़ाया होगा एंड टाइम इज़ आल्सो मनी, क्योंकि उस टाइम मशीन में आपने मशीन की मेंटेनेंस, जो आपकी बिजली चल रही है वो, जो आपने रेंट दिया हुआ है वो तो अपनी जगह महफूज ना, वो तो हर महीने के बाद टर्न के बाद बारी आ जानी है उसकी। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ये सारा का सारा क्या है? इंटरनल एनालिसिस। ये इतनी चीज़ें इंटरनल हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो वैल्यू चेन ये कहता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का कंपेटिटिव एज ले सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ इंप्रूव करनी है? इंटरनल एक्टिविटीज। अरे प्रोसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना एग्जाम में,
वरना नंबर कटेंगे आपके। इसलिए कि वैल्यू चेन की डेफिनेशन आपकी किताब में लिखी होगी, अ वैल्यू चेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज थ्रू विच वी कैन गेट कंपेटिटिव एडवांटेज, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अ वैल्यू चेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज थ्रू विच वी कैन गेट कंपेटिटिव एडवांटेज। अब बच्चे वैल्यू चेन में जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज है, वी हैव टू डिवाइड दीज एक्टिविटीज इंटू टू मेन सेगमेंट्स, हमें इसको दो मेन सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। नंबर वन, प्राइमरी एक्टिविटीज, एंड नंबर टू, सपोर्टिंग एक्टिविटीज। बड़े पोर्टर की ये थ्योरी है वैल्यू चेन, इसी से पहले आपने पहले भी पोर्टर ही का मॉडल पढ़ा है, पोर्टर फाइव फोर्सेस कल पढ़ा था आपने, ये पोटरी की थ्योरी है और पोटर ने कंपटीशन के ऊपर बहुत थ्योरी लिखी हैं। पोटर ये कहता है कि जो दो एक्टिविटीज है प्राइमरी एंड सपोर्टिंग एक्टिविटी, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी इस्तेमाल होती है कंपटीशन के लिए, प्राइमरी एक्टिविटीज किस लिए इस्तेमाल होती है बच्चे, ये इस्तेमाल होती है कंपटीशन के लिए। इसका मकसद क्या हुआ कि ये जितनी ज्यादा बेहतर होगी उतना बड़ा कंपेटिटिव एज मिलेगा, लेकिन आखिर इनको भी तो बेहतर करना है ना, तो हाउ वी कैन इंप्रूव अवर प्राइमरी एक्टिविटीज। वो कहता है सपोर्टिंग एक्टिविटीज आर यूज्ड टू इनहेंस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। ऑल ऑफ यू बस ये बात ध्यान से रखिए, सुनिएगा, ये बातें किताब में नहीं लिखी हुई, जो किताब में लिखा हुआ सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्टिंग एक्टिविटी की तफसील लिखी हुई है, लेकिन ये वो टेक्निक होती है जिसकी बुनियाद पर आप एग्जामिनर को इंप्रेस करते हैं और एग्जामिनर से मार्क्स लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बच्चे, प्राइमरी एक्टिविटीज आर यूज इन कंपटीशन, वेयर एज सपोर्टिंग एक्टिविटीज आर यूज टू इनहेंस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। बट इफेक्टिवनेस क्या होती है, बेनिफिशियल, और एफिशिएंसी क्या होती है, जिसमें कॉस्ट कम लगती है और टाइम कम लगता है। ऑल ऑफ यू, तो इफेक्टिवनेस होता है बेनिफिशियल, तो हम कहते हैं कि यार एक चीज है कितना फायदा हुआ, आपने कहा सर मैंने काम यूं कर लिया है मेरे कॉस्ट भी कम हुई है, मैंने पूछा काम फायदा कितना हुआ, आपने कहा 100 में से 90%, इसका मकसद ये हुआ कि आपकी एफिशिएंसी तो अच्छी थी लेकिन इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है बच्चे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ काम कितना हुआ, आपने कहा सर 100% हुआ है, मैंने कहा कितनी देर में किया, आपने कहा सर 3 घंटे में होना था, मैंने 4 घंटे में किया है, इसका मकसद ये हुआ कि इफेक्टिवनेस तो है लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। क्या ख्याल है, एग्जाम में ऐसे नहीं होता आपका, 3 घंटे एग्जाम में आपने इफेक्टिवनेस भी लेनी है और एफिशिएंसी भी, उसी 3 घंटे में वही जो 6, 7, 8 क्वेश्चन वो पूरे करने हैं और मार्क्स भी 50 लेने हैं ना, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका स्टैंडर्ड है 50 नंबर, आपने वो 50 नंबर लेने हैं, वो आपकी बेसिकली इफेक्टिवनेस है और आपकी एफिशिएंसी है कि आप वो 3 घंटे में, वरना आप कहेंगे सर ये पेपर तो है बड़ा आसान सा लेकिन मैं 5 घंटे से पहले नहीं कर सकता, तो फिर बताइए फ़ायदा तो ना होगा ना उसका पेपर का। तो पेपर का फ़ायदा हासिल करने के लिए हमें उसके साथ साथ उसकी एफिशिएंसी भी चाहिए, फाइन। तो एफिशिएंसी हमेशा दो चीज़ों को फोकस करती है, टाइम एंड कॉस्ट, जितना टाइम कम लगेगा जितनी कॉस्ट कम लगेगी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जितना काम परसेंटेज बढ़ती जाएगी उतना क्या हो जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, फाइन। तो इन दोनों को हमेशा मिलाया जाता है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो मैंने क्या कहा बच्चे, सपोर्टिंग एक्टिविटी क्या करती है, इनहेंस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। ऑल ऑफ यू, अब चलते हैं बच्चे इसके अदर कॉन्टेंट्स की तरफ। मेरे प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, नंबर वन, इनबाउंड, ऑपरेशंस एंड आउटबाउंड। देखिए बच्चे ये तीन चीजें पहले समझते हैं, आसान सी हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा मॉडल है। बोले इनबाउंड जो भी है इसके आगे लिखा होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। लफ्जों से खेलने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से खेलने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये सिस्टम की इनपुट है, ये सिस्टम का प्रोसेस है, ये सिस्टम की आउटपुट है। ऑल ऑफ यू, मैंने क्या कहा, ये सिस्टम की इनपुट है,
ये सिस्टम के प्रोसेस है, ये सिस्टम की आउटपुट है। कंप्यूटर सिस्टम में आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा, पहले कंप्यूटर में इनपुट होती है, फिर प्रोसेस होता है, फिर कंप्यूटर में आउटपुट हो जाती है। इनपुट में कीबोर्ड इस्तेमाल होता है, ऑपरेशन के लिए सीपीयू इस्तेमाल होता है, आउटपुट मॉनिटर पर भी आती है, स्पीकर पर भी आती है। ऐसे है ना बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी है। आइए मैं इसकी मिसाल देता हूँ, एक मिसाल से मसला हल हो जाएगा। व्हाट इज परचेस? द परचेज इज इनबाउंड। सिस्टम में कोई चीज खरीदोगे तो बेचोगे ना, तो आउटबाउंड क्या होगा बच्चे? वेरी गुड, आउटबाउंड सेल होगी। माशाल्लाह, आउटबाउंड इज योर सेल। आपने जो चीज सेल कर दी वो आपकी आउटबाउंड है, और जो चीज आपने खरीद ली। अब बच्चे खरीदारी में भी दो चीजें हैं। आई गेस कि आपको इंडस्ट्रीज के बारे में मालूमात तो होंगी थोड़ी बहुत, वरना मैं बता देता हूं। तीन बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज, सर्विसेज इंडस्ट्रीज। तीन बड़ी इंडस्ट्री है ना बच्चे। मैन्युफैक्चरिंग में वही चीज़ मैन्युफैक्चर होती है। मिसाल के तौर पर इस पाउच को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन और होगी, लेकिन इसको बेचने वाली ऑर्गेनाइजेशन और होगी। हो सकता है कि बनाने वाला खुद भी बेचता हो, लेकिन बहरहाल मोस्टली ऐसा नहीं होता। मोस्टली गाड़ियां बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से कभी चीज़ नहीं बिकती, बिकती हमेशा आउटलेट पे है किसी ना। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अलहदा होती हैं। तो अगर मैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं तो वो क्या परचेज करेंगे बच्चे? फिनिश गुड खरीदेंगे या रॉ मटेरियल खरीदेंगे? फिनिश गुड, वेरी गुड। तो बच्चे दो चीजें परचेज की जा सकती हैं, फिनिश गुड्स और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई तो अदील, वेरी गुड, फिर रॉ मटेरियल। तो यह बात आपने याद रखनी है। कल भी मैंने कहा था, सवाल सॉल्व करते वक्त सबसे पहले सवाल पे मेहनत करनी है, सवाल की नेचर को देखना, पता लगे वहाँ सवाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आया हो, आप उसे फिनिश गुड परचेज करवा रहे हो, तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। याद रखिए ये बात, क्योंकि जिस कंपनी ने रॉ मटेरियल ख़रीदना है, सेल के साथ साथ फिनिश गुड उसकी आउटपुट भी होगी। याद रखिए बात, सेल तो होनी होनी है, सेल तो पक्की बात है। जो ऑर्गेनाइजेशन फ्रिज गुड लेगी वो सेल करेगी, उसकी आउटपुट तो कुछ नहीं है ना, वो तो सिर्फ सेल ही आउटपुट देगी। लेकिन जो कंपनी रॉ मटेरियल खरीदेगी, उसकी इनपुट रॉ मटेरियल खरीदना इनबाउंड है, लेकिन उसकी आउटपुट यानी आउटबाउंड दो है, फिनिश गुड भी और उसकी सेल भी। ये बात याद रहेगी, अगर दोनों में से एक पॉइंट लिखा तो एक का नंबर मिलेंगे, दूसरे नंबर कट जाएंगे एग्जाम के अंदर। ऑल ऑफ यू फाइन, श्योर? अब एग्जाम में सवाल आया हुआ है, एक्सप्लेन द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है कि यही आना सवाल, अगर आया तो ये अप्लाई कम ही करवाएगा, अगर करवाएगा तो इंशाल्लाह उसकी मैं थोड़ी सी आपको हेल्प कर भी देता हूँ और मज़ीद। तो आपने जब अगर कंपनी का सवाल आया हुआ है कि एक्सप्लेन द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ कंपनी, और उसके बारे में ये नहीं बताया गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ट्रेडिंग कंपनी है, तो प्लीज़ ये मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको बताना पड़ेगा कि इफ़ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन देन इट्स इनबाउंड इज़ रॉ मटेरियल, और इफ़ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ ट्रेडिंग कंपनी देन इट्स इनपुट इनबाउंड इज़ फिनिश गुड्स। याद रहेगी बच्चे ये बात, ये आपने मेहनत करके इस तरह के जवाब देने एग्जामिनर को, अगर आपने पूरे पूरे नंबर देने एग्जामिनर से, अगर चल चलाओ काम करना तो मेरे कोई बात नहीं, 50% नंबर तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ भी जो मैंने कल भी बताया था कि हल्की पुल्की वैलिड गपशप हो तो नंबर मिल जाते हैं, लेकिन आपने मार्क्स लेने हैं इंशाल्लाह, वैलिड गपशप नहीं लगाने। जी बच्चे ऑपरेशंस, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, हाँ बच्चे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, उसका ऑपरेशन क्या होगा? नहीं बेटे, प्रोडक्शन करना, बस सिंपल आंसर है। क्या करना? प्रोडक्शन करना, वेरी गुड। आपने उसकी प्रोडक्शन करनी है, लेकिन मेरे प्रोडक्शन के साथ और कितने काम होते हैं? उसकी टेस्टिंग करना, उसकी लेबलिंग करना। मिसाल के तौर पर बच्चे ये पाउच बन गया तो क्या नाइकी साथ लिखा हुआ था? नाइकी बाद में लगाया ना, इसको इसके ऊपर प्रिंटिंग की गई है। ये पाउच बन गया, ये जिप बाद में लगी होगी, क्या ख्याल है? इसके अंदर एक फिलर होता है, ये देखिए फिलर लगा हुआ, ये फिलर भी बाद में लगा होगा। इसका मकसद ये हुआ कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ कई काम होते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस होती है, लेबलिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, टेस्टिंग होती है, देर आर सो मैनी थिंग्स। फाइन,
लेकिन बच्चे प्लीज आपकी इनबाउंड है फिनिश गुड, आपने फिनिश गुड ली है तो मुमकिन है आप उसकी नई पैकिंग कर दें, ऐसा भी तो मुमकिन है ना कि आपने कहा ना यार ये पुरानी पैकिंग नहीं चाहिए, इस पे मैंने ये पाउच खाली लिया है, इस पे नाइकी नहीं लिखा हुआ है, मैंने इस पे राइज लिखना है, तो मैं क्या करूंगा बाजार से बना बना ये लूंगा और राइज की प्रिंटिंग मैं खुद करवा लूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये तो बड़ा आसान सा है, वो छोटी सी स्क्रीन होती है इस पर रखें यूँ करके उसको करें उस पर कलर लगा कर तो स्क्रीन प्रिंटिंग हो जाती है, चाहे मैं बाजार से करवा लूँ वो मेरी मर्जी है ना। तो इसका मकसद ये हुआ कि एक कंपनी से मैंने फिनिश गुड ये ली और उस पर अपनी मर्जी का एक मोनोग्राम लगा लिया, या इसको एक गत्ते के बॉक्स में पैक करके ऊपर गत्ते के बॉक्स में मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए, व्हाटएवर। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन अलग करती है, जल के आप जानते भी होंगे कि बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन चाइना से माल मंगवाती है और चाइना के बाद यहाँ पर पाकिस्तान में लोकल आके अपनी कंपनी का मोनोग्राम स्टिकर या कोई भी चीज़ उस पर लगा लेते हैं, ऑल ऑफ यू। तो ये बात याद रहे कि बच्चे ऑपरेशन समझ में आ गए, पक्की पक्की बात है। मैं पहले इतना ही पढ़ाऊंगा जी, इतने पहले मैं इसकी थ्योरी आपको पढ़ा दूँ फिर आगे चलते हैं जी। जी ये आंसर है बच्चे, ये लिखा हुआ आंसर आपके पास मौजूद है। व्हाट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक, द इनपुट ऑफ द सिस्टम, ये इनपुट ऑफ द सिस्टम है, परचेज एंड हैंडलिंग ऑफ रॉ मटीरियल बिफोर प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन के लिए आपने रॉ मटेरियल नहीं भेजा, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, खरीद के अपने पास रख लिया, संभाल लिया, किस में आएगा, इनबाउंड में, ऑल ऑफ यू। ऑपरेशंस क्या है बच्चे, प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है एक लाइन में। एंड व्हाट इज दिस, मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग टेस्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ रॉ मटीरियल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। बच्चे देखिए रॉ मटेरियल दो दफा आया, इधर ध्यान कीजिए, रॉ मटेरियल बिफोर प्रोडक्शन, अभी कपड़ा पड़ा हुआ था, ये साइड पे पड़ा हुआ कपड़ा अभी प्रोडक्शन में नहीं आया, जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास नहीं आता ये पड़ा हुआ कपड़ा, ये रॉ मटेरियल क्या है, कहां जाएगा, इनबाउंड में। अब यहां से उठ के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आ गया, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एकदम तो नहीं साथ कुछ बना देता ना, कपड़े के थान पड़े होंगे ना, वो उसको मशीन पर लगाएगा, वो आहिस्ता 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 प्रोसीड करेगा। तो अब देखिए अभी भी रॉ मटेरियल आपके पास ही है, लेकिन अब ये रॉ मटेरियल आपकी इनबाउंड से निकल के कहाँ आ गया, ऑपरेशन के अंदर आ गया, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर तो आउटबाउंड में फिनिश गुड में जो चीज़ें महफूज कड़ी पड़ी हुई हैं उसे आउटबाउंड में डालेंगे। यहाँ लिखा हुआ भी होगा रॉ मटीरियल आफ्टर प्रोडक्शन, ऑल ऑफ यू बच्चे, ईजी। तो देखिए बच्चे आउटबाउंड क्या है, फिनिश गुड्स, लेकिन किस सूरत में, यह अब आपको याद होना चाहिए, इफ दिस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और सेल। अब बच्चे अब आपको ये वाला फिनिश गुड तंग नहीं करेगा अगर आप यहां पर भी इसको यहां पर ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये परचेजिंग किस किस चीज की है, रॉ मटेरियल की भी हो सकती है और फिनिश गुड की भी हो सकती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई चीज कर रही हाँ बच्चे, पक्की बात है, अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूंगा बच्चे, क्योंकि यही सबसे मुश्किल है, बाकी तो सब याशी है। इस पूरे के पूरे मॉडल में सिर्फ यही तीन चीज़ें, मुझे आखिर में लेना पिक्चर जब वो ये अभी काट चार दो चीज़ें और भी हैं तो फिर आप इकट्ठी कर लेना ना, अभी तो ये फिर आपको बार बार तस्वीर लेनी पड़ेगी, घर जाके नहीं याद रहनी कि कौन सी तस्वीर क्यों ली थी, ठीक है। आगे चलो जी बच्चे, द नेक्स्ट वन इज, वापस चलते हैं बच्चे अपने काम की तरफ, क्योंकि मैं यहाँ पर ही पहले आपको समझा दूँ फिर आगे चलते हैं। इसके बाद है बच्चे मार्केटिंग, क्या लिखेंगे बच्चे इसके लिए, वेरी गुड, एडवर्टाइजिंग, सिंपल काम। मार्केटिंग क्या है बच्चे, एडवर्टीजमेंट, जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे कस्टमर को कैसे मालूम होगा कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है, क्या ख्याल है। अब एक बात बताइए बच्चे, इनबाउंड जितनी सस्ती होगी क्या उतना कंपेटिटर को कंपीट करना आसान है या नहीं, ऑल ऑफ यू। ऑपरेशन में जितनी प्रोडक्शन क्वालिटेटिव है और जितना डिजाइन डिफरेंट है, जितना डिजाइन यूनिक है, बताइए कंपेटिटर कंपीट करना आसान है। आउटबाउंड में जितनी फिनिश गुड ज्यादा है ऑर्डर कभी आपका मिस नहीं होता, कस्टमर हमेशा आपके पास आएगा कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आते हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सामान मौजूद ना हो, हमेशा सामान मिलता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर ज्यादा आएंगे तो क्या बढ़ेगी, सेल बढ़ देगी। लेकिन एडवर्टीजमेंट जितनी अच्छी होगी, जितना कस्टमर अवेयरनेस बढ़ेगी उतना आपकी सेल भी बढ़ना शुरू होगी। अब पता लगा कि प्राइमरी एक्टिविटी कंपटीशन में कैसे इस्तेमाल होती है, ऑल ऑफ यू। एंड द लास्ट वन दैट इज सर्विसेज, मतलब इसके लिए एक बात याद रखनी है, दैट इज आफ्टर सेल, आफ्टर सेल। इससे क्या मुराद है,
इससे मुराद ये है कि जब आप सेल कर लेंगे तो सेल के बाद आप कस्टमर को क्या क्या सहूलियात देते हैं, वारंटी, मेंटेनेंस, उसके साथ साथ जो आप उसको स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, ये है बच्चे आपकी सर्विसेज। क्यों नहीं मुश्किल नहीं मॉडल, इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट मॉडल। सो वापस चलते हैं बच्चे, व्हाट इज मार्केटिंग? द मार्केटिंग इज एडवर्टीजमेंट। लीफलेट क्या होता है, जो हैंड आउट कहते हैं इसको आप, लीफलेट क्या होता है बच्चे, हैंड आउट, मैगजीन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैंने यहां पर बाकी कुछ नहीं लिखा, टेलीविजन भी लिख लें आप, टेलीफोन भी लिख लें आप, अब तो मार्केटिंग के मेजमा तरीके हैं ना, टेलीफोन भी आपका खुद ही कॉल आती है, आप फोन उठाते हैं तो आगे से पीछे से टेप चल रही होती है कि जनाब हमारी फलां प्रोडक्ट है, आप बाय कर लें, इसका यह फायदा है, ये नुकसान है, वो सारा कुछ साथ ही लिखा होता है, दैट इज मार्केटिंग। एंड व्हाट इज द लास्ट वन, सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसमें क्या क्या देना है बच्चे, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन, tasveer.com। सो ये है बच्चे हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज, इजी ऑल ऑफ यू। अब वापस चलते हैं बच्चे सपोर्टिंग एक्टिविटीज की तरफ। सपोर्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिसके जरिए हमने अपने प्राइमरी एक्टिविटीज को बेहतर करना है। तो अब बेहतर कैसे करेंगे, सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HRM, व्हाट इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहला काम हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है। बच्चे एक बात तो बताइए, अगर मेरे पास अच्छे लोग काम करने वाले जिनको मैंने हायर किया है, अगर हायरिंग करते वक्त मैं कहूँ यार चलो सारे यार दोस्त इकट्ठे कर लेते, काम हो जाएगा? मुझे कॉम्पिटेंट लोग चाहिए ना, कि क्वालिफिकेशन अच्छी हो, उनका काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा हो, फिर वो लॉयल भी हो कंपनी के साथ, ही ना ब्राइज में इन्वॉल्व हो जाए या कोई और गलत कामों में, तो एथिकल भी हो। ये सारी चीजें देखने के बाद मैं जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग हायर करूंगा तो क्या ख्याल है, इनबाउंड खुद ही हो जाएगा या कुछ लोग करेंगे? तो क्या परचेजिंग करने वाले लोग लादा नहीं है, क्या ऑपरेशन करने वाले लोग लादा नहीं है, क्या सेल करने वाले लोग लादा नहीं है, क्या मार्केटिंग करने वाले लोग लादा नहीं है, क्या सर्विस देने वाले लोग नहीं है? तो अगर आपके लोग HR के पांच बड़े काम होते हैं, कौन कौन से बच्चे, हायरिंग, फायरिंग, वेरी गुड, दो हो गए जी, मोटिवेशन, HR को मोटिवेट करना, फिर कोऑर्डिनेट्स कराना आपस में, फिर उनको ट्रेन भी करना, ट्रेन करना, सुपरवाइज करना, लीड करना, ये सारे HR काम होते हैं। आप एक बात बताइए, आपने कॉम्पिटेंट स्टाफ हायर कर, हाँ जी कोई और क्वेश्चन तो नहीं जी, चले आगे बच्चे, हाँ जी पढ़े बिस्मिल्ला। तो बच्चे हम बात कर रहे थे HRM की, तो HRM के काम कौन कौन से हैं, फायरिंग, हायरिंग, मोटिवेशन और सुपरवाइजिंग, लीडिंग और उसके साथ साथ ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारे काम हैं। आप इनमें से कोई एक काम भी लूज कर दें, फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन, मैंने काम कंप्लीट करके अदील को देना है लेकिन अदील को पता ही नहीं है, तो बताइए क्या खाला काम टाइम पे हो जाएगा, सवाल ही पता नहीं होता। तो जहां टाइम आएगा, मैंने अभी बताया टाइम इज आल्सो कॉस्ट, टाइम भी एक कॉस्ट है, खर्चा है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तो आप समझ लीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इनबाउंड आउटबाउंड ऑपरेशन सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। ऑल ऑफ यू, नाउ द सेकंड वन इज दैट इज टेक्नोलॉजी। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी बच्चे, आपके पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। आपने बाइंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना यहां पर बच्चे, प्लीज बी केयरफुल, बाइंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं यहां लिख भी देता हूं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइन, लेकिन आपने हेडिंग नहीं देनी, मान जाए मैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की, ये एक्सप्लेनेशन में देनी है, वहां हेडिंग कौन सी देनी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बस। जब आपने एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करते वक्त आपने कहना है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अदील एक बात बताइए, टेक्नोलॉजी की एग्जांपल दीजिए, परचेज में क्या फायदा होगा इसका? कोई बात सल्ली सर, आराम से, परेशान नहीं होना, ये सिर्फ आपको सोचने के लिए मजबूर करने के लिए सवाल करता हूं ताकि आप थिंकिंग डेवलप करें, एग्जाम में कुछ पता नहीं होता क्या आ जाए, तो ये प्रोसेस आपका क्लासरूम में होना चाहिए। सर, मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिस
वेरी गुड, आपको मालूम है इसे क्या कहते हैं, GIT, जस्ट इन टाइम। लेकिन बच्चे इससे आसान मिसाल यूँ दीजिए एग्जामिनर को, अगर आपने मिसाल देनी है, मैं मिसाल देता हूँ इनबाउंड की। बड़े आपको मालूम है, आपको पाकिस्तान के अंदर से आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, क्या ख्याल है अगर ई कॉमर्स इस्तेमाल करके दुनिया से कहीं से भी बाय कर लें, सस्ती मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? yes, और पूरी दुनिया कर रही है, क्या ख्याल लोग चाइना से माल नहीं मंगवा रहे? तो नहीं, ठीक है बच्चे, लेकिन आप ये देखिए कि आप फिर उसके मुताबिक टाइम मैनेजमेंट भी उसके लिहाज से करेंगे ना, कॉस्ट भी तो कम हो रही है। अब मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि मैं लाहौर से माल मंगवाता हूँ हफ्ते में आता है, चाइना से माल मंगवाऊंगा तो महीने में आएगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे 4 टाइम ज़्यादा माल मंगवा लूँगा ताकि अगला माल जब मैं मेरा 50% मेरे पास रह जाए सामान, मैं दोबारा अपनी जो है वो शिपमेंट मंगवा लूँगा, 1 महीने में शिपमेंट आ जाएगी, उतनी देर में ये बिक जाएगा, उतनी देर में और माल आ जाएगा, तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट उसी के लिहाज से करते हैं ना आप। तो ये नो डाउट उसमें थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, जो कि अगर आपने लो प्राइस पे अपने कंपेटिटर को कम्पीट करना है। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। मैंने कहा एग्जाम्पल तो बच्चे बच्चे बेशुमार हैं, मैंने तो वो वर्स्ट एग्जाम्पल दिए जिसमें आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। ऑप्शन ये है कि सामान मिल ही नहीं रहा, आपने कहा नो प्रॉब्लम, मैं फलाम मुल्क से मंगवा लेता हूँ। आज के दौर में ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ई कॉमर्स की एग्जाम्पल दूँ ना बच्चे, ई कॉमर्स तो ई कॉमर्स यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है, ई कॉमर्स यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या ऑनलाइन सेल करके वर्ल्ड वाइड सेल नहीं कर सकता? तो बताइए सेल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो क्या चीज़ इंप्रूव हो गई? आउटबाउंड इंप्रूव हो गई, चीज़ सस्ती मिल रही है। क्या चीज़ इंप्रूव हुई? इनबाउंड इंप्रूव हो गई। तो बच्चे ये डिपेंड कर रहा होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ योर सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ टू इन्हेंस योर प्राइमरी एक्टिविटीज़, फाइन। लेकिन अब बच्चे ई कॉमर्स का आपने ऑपरेशन में ऐड नहीं कर लेना, ये सर्विसेज में तो ऐड हो सकता है, लेकिन अब आप यहाँ क्या करेंगे? यहाँ आप कहेंगे कि आपने मैन्युफैक्चरिंग में वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है जो कि सबसे बेहतरीन है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपका मालूम है ये जो डस्टर है ये वुड का बना हुआ है, ये जो आपका टेबल है ये वुड का बना हुआ है। आपको मालूम है कि जो आपकी मार्केट में जो वुड मिलती है ये वाली जो है, इसको प्लाई भी कहते हैं और बेशुमार इसके नाम है, वट एवर, ये 8 फुट लंबाई में होती है। अगर आपको 2-2 फुट के पीस चाहिए हों तो 4 पीस निकलेंगे ना, लेकिन वो 2 फुट का नहीं निकलेगा। जब उसको आप आरी से काटते हैं तो वो 2 सूत्र यानी आपको ऑलमोस्ट 2 मिलीमीटर आपका वो ज़ाया कर देती है। तो आपका हर जो एक यूनिट होगा ना ये वाला, वो जो है बेसिकली इसमें वो 2 मिलीमीटर कम होना शुरू हो जाएगा हर जगह पर। अब आप बताइए कि अब आपको तो एग्जैक्ट 2 फीट चाहिए था, बताइए कैसे मैनेज करेंगे आप? आपको मालूम है कि लेज़र कटिंग मशीन आ रही हैं, वो लेज़र कटिंग करती हैं, 1 मिलीमीटर का डिफरेंस भी नहीं आता, एग्जैक्टली साइज में काट देती हैं। ये है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो ऑपरेशन के अंदर आपने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है? एक बंदा है वो हाथ से प्रिंटिंग कर रहा है, एक है आपने एक बंदा मशीन में डाल दिया वो खुद ही प्रिंटिंग करती जा रही है, डिफरेंस है ना बच्चे, टाइम भी बच रहा है। एक बंदे की ज़रूरत कम हो रही है, आपको एक बंदा चाहिए होगा प्रिंटिंग करने के लिए, उस बंदे की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है बच्चे आपके पास इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का। नाउ द थर्ड वन इज़ प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट भी बाइंग को कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चे? वेरी गुड, अब फर्क कौन बताएगा? ये इनबाउंड में तो बाइंग ही थी, नहीं नहीं, प्रिक्योरमेंट भी तो बाइंग कर रहा है और इनबाउंड भी बाइंग कर रहा है, परचेजिंग नहीं लिखा हुआ आपने, क्या फर्क हुआ? एग्जाम में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो बच्चे ये परचेज डिपार्टमेंट नहीं होगा, नहीं बेटे ऐसे नहीं है, सारा कुछ साथ ही होता है, खाली खाली बाइंग नहीं होती, सारा कुछ साथ ही होता है। मैं बताता हूँ बच्चे आपको, बड़े एक होती है, ज़रा ध्यान सुनिएगा, आपके काम आएगी ज़िंदगी में। एक चीज़ को इसलिए ख़रीदा जाता है कि उसको बेचना है, क्या कहा बच्चे मैंने? एक चीज़ को इसलिए ख़रीदा जाता है कि उसको बेचना है, वो परचेजिंग होती है। और एक चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के लिए ख़रीदा जाता है ताकि उसको ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया सके, हैं दोनों बाइंग। लेकिन आपको मालूम है अकाउंटिंग के अंदर ये वाली जो बाइंग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहलाती है, और अकाउंटिंग के अंदर ये वाली बाइंग आपकी परचेजिंग कहलाती है। कुछ बात समझ आई बच्चे आपको? आइए मैं मिसाल दे देता हूँ। अदील, हफीज़ सेंटर में दुकान है आपकी और आपने 50 कंप्यूटर ख़रीदे हैं, आप बताइए आप उसको कहाँ प्लॉट करेंगे? परचेजिंग में। क्यों?
इसलिए कि आपने कंप्यूटर बेचने हैं। राइज ने 50 कंप्यूटर खरीदे हैं, क्यों? इसलिए कि राइज कंप्यूटर नहीं बेचता, राइज अपने स्टूडेंट की जो है बेसिकली एक नेटवर्क टीम बना, सॉरी एक नेटवर्क बनाने के लिए, एक लैब बनाने के लिए उस कंप्यूटर को बाय कर रहा है। ऑल ऑफ यू, इन दोनों का फर्क समझ आया बच्चे आपको? सेम प्रोडक्ट है, सेम बाइंग है, सेम क्वांटिटी है, लेकिन फर्क क्या है? चले एक और मिसाल लेते हैं। हाँ बच्चे, आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और आपने प्लॉट खरीदा है, कहाँ कहाँ प्लॉट करेंगे इसको? यू आर अ प्रॉपर्टी डीलर, वेरी गुड, बिकॉज प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉट लेके बेचना है ना आगे। लेकिन राइज ने लैंड लिए है अपनी स्टूडेंट के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए, कैंपस बनाने के लिए, वो प्रोक्यूरमेंट में आएगी, इसलिए कि राइज ने वो बिल्डिंग बेचनी नहीं है, राइज बिल्डिंग नहीं बेचता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ खरीदती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के लिए, उसे कहाँ डालते हैं? प्लीज़ अंग्रेजी वाले प्रोक्यूरमेंट में नहीं, वैल्यू चेन के प्रोक्यूरमेंट में, वरना जो आपने बताया वो उसके मानी वही है अंग्रेजी में। प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो वर्किंग करता है कितनी बाइंग करनी है, क्यों करनी है, लेकिन ये वैल्यू चेन कुछ और कह रहा है। आपने वैल्यू चेन का आंसर देना है एग्जामिनर को, फाइन। तो वैल्यू चेन के आंसर के मुताबिक प्रोक्यूरमेंट क्या है? जो बाइंग की जाती है फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दी सपोर्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। और इनबाउंड क्या कहता है? द बाइंग विच आर फॉर रीसेल पर्पज या सेल पर्पज, फाइन। एंड लास्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, चार एक्टिविटीज हो गई बच्चे। मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका मैनेजमेंट स्टाइल, आप सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है, टॉल है, पढ़ा होगा आपने किसी ना किसी दर्जे में, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लेवल ऑफ हायरार्की कम होती है, टॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हायरार्की लेवल ज़्यादा होते हैं, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। कहीं आप बिल्डिंग में समझ लीजिएगा ये बिल्डिंग का नाम नहीं है, वरना इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को कहते हैं, फाइन। सो अगेन द फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी, व्हाट इज दिस? स्टाफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। ये इनबाउंड, आउटबाउंड, ऑपरेशन, मार्केटिंग सबको सपोर्ट करेंगे। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट, ई कॉमर्स एंड वट एवर, जो भी आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। थर्ड वन, प्रिक्यूरमेंट, व्हाट इज दिस? जनरल बाइंग लाइक मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट फॉर डिलीवरी एंड सो ऑन। प्लीज बी केयरफुल, नॉट फॉर सेल पर्पस। एंड द लास्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर, द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑल ऑफ यू, इजी जी? कोई चीज कॉम्प्लेक्स तो नहीं है इसके अंदर बच्चे? चलिए आगे चलो जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉडल विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनालिसिस, दैट इज, मैंने कल इसके तीन नाम बताए थे जी। क्या क्या बताए थे जी? कैपेबिलिटी एनालिसिस, रिसोर्स ऑडिट या रिसोर्स एनालिसिस, एग्जामिनर की मर्जी है। इन तीनों में से कोई भी एक नाम इस्तेमाल करके कंफ्यूज कर सकता है, आपको तीनों नाम पता होने चाहिए, फाइन। बड़ा मॉडल है, बड़ी थ्योरी है, बहुत लंबा काम है। इंशाल्लाह मैं जरा किताब से थोड़ा हटके और जरा डिफरेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह एक ही नशिस्त के अंदर, एक ही उमिट यानी क्या नाम कहते हैं, आपकी अटेम्प्ट के अंदर आप बेहतर से बेहतर अंदाज में एग्जामिनर को परफॉर्म कर देंगे, फाइन। आइए बच्चे जरा इसको तफसील से पढ़ते हैं। बड़े एक लफ्ज होता है कैपेबिलिटी। बड़े कैपेबिलिटी से क्या मुराद होती है? आप किस चीज के करने की सलाहियत रखते हैं और किस चीज को करने की सलाहियत नहीं रखते, इसी के लिए कैपेबल। आप कहते हैं आई एम नॉट कैपेबल टू डू इट, इट मींस कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आई एम सफिशिएंट अनफ टू परफॉर्म इट या आई एम कैपेबल टू परफॉर्म इट, तो इसका मतलब यह है कि मैं ये काम कर सकता हूं, ऐसे है ना बच्चे? तो कैपेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी होती है। अभी यहां बच्चे इसकी जरूरत तो नहीं लिखेगी, आप जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे आपको अंदाज बता देता हूं। कैपेबिलिटी या तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है या ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? वीकनेस होती है। ये बात आप याद रखेंगे, कैपेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? या तो स्ट्रेंथ होती है या वीकनेस होती है। इसका मकसद ये हुआ कि जो काम करने की सलाहियत ऑर्गेनाइजेशन में है वो स्ट्रेंथ है, और जो काम करने की सलाहियत ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस। ऑल ऑफ यू, अब आपने ये नहीं कहना कि सर
आप ये बताइए कि क्या राइस जो है वो क्या नाम कहते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग आती है, तो राइस का काम ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग। राइस एजुकेशन फैक्टर में, एजुकेशन में होते हुए वो कौन सा काम कर सकता है और कौन सा काम नहीं कर सकता, दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस राइट नाउ। फाइन, बट कैपेबिलिटी के दो पार्ट होते हैं। कैपेबिलिटी के क्या होते हैं बच्चे? दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है? रिसोर्सेज, कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, और दूसरी चीज कॉम्पिटेंसी कितनी है। बच्चे प्लीज जरा फर्क समझ लीजिए ताकि आप आसानी से एग्जामिनर को भी समझा सकें। बच्चे रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स होता है, मशीन होती है, बल्कि मैं दो चार एग्जाम्पल के तौर पर लिख भी देता हूँ। रिसोर्सेज के अंदर एक चीज होती है आपके पास ह्यूमन, एक चीज आपके पास होती है मशीन, एक चीज आपके पास होता है फाइनेंस, एक चीज आपके पास फॉर एग्जांपल होता है, फॉर एग्जांपल लैंड। ये मैंने चंद एक लिखे, सारे नहीं लिखे बच्चे, चंद एक सर समझने के लिए कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से रिसोर्सेज में मशीन है, ह्यूमन है, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं। लेकिन बच्चे क्या ख्याल है, क्या ये लाजमी है कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कॉम्पिटेंट भी होगा? तो कॉम्पिटेंसी इज समथिंग एल्स। खाना पूरी के लिए लाइन पूरी कर ली जाती है, कंपनी में 10 मुलाजमीन की जरूरत है, 10 मुलाजिम कंपनी में हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अपने काम के एक्सपर्ट भी हैं, इट नॉट नेसेसरी कि वो अपने काम को माहिर अंदाज से परफॉर्म भी कर सकते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि कॉम्पिटेंसी हमेशा सेपरेट होती है। डिग्री होल्डर बेशुमार होंगे, तो क्या सारे डिग्री होल्डर एक्सपर्ट होते हैं? क्या सारे के सारे लोग जो अपना काम कर रहे होते हैं वो अपने काम के माहिर होते हैं? मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, यही तो डिफरेंस है एक आम डॉक्टर में, एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर में, कि एक बंदे को लोगों को पता है कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इसी को एक थ्योरिस्ट ने पेश किया है और उस थ्योरिस्ट का नाम है JSNW। आप किताब, मैंने कहा बच्चे मैं आप किताब से बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको अपने अंदाज से ये पढ़ा रहा हूँ, ये वो अंदाज है जो आप इंशाल्लाह किताबों के मोहताज नहीं रहेंगे। और मेरा, मैं अपनी पढ़ाने में सिर्फ इसी वजह से ज़्यादा, यानी अपने अंदाज में मशहूर हूँ कि मैं किताबों का मोहताज नहीं करता। पढ़नी ज़रूर है किताब, लेकिन किताब फिर आपको बेस देगी इस तरह की चीज़ों से, फिर आप मिक्सर बना के एक नए अंदाज से एग्जामिनर को आंसर पुट करते हैं। फाइन, मेरे JSNW एग्जाम में आपने ये रेफरेंस देना है, इसलिए कि ये बहुत बड़ा थ्योरी है पूरी दुनिया के अंदर, जितनी मैरिमेंट की बड़ी बड़ी थ्योरी है सारी इसने लिखी हुई है। JSNW, इसका नाम है जॉन स्कूल एंड वटिंगटन, इसका असल नाम है, लेकिन लोग इसको JSNW के नाम से जानते हैं। बट प्लीज, कैपेबिलिटी की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ये कैपेबिलिटी की डेफिनेशन है। क्या लिखेंगे बच्चे आप? एज पर JSNW, कैपेबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू सेगमेंट्स। नंबर वन, रिसोर्सिस एंड कॉम्पिटेंसी। आप रिसोर्स में चंद एक मिसालें लिखेंगे बच्चे, इसके आगे क्या लिखेंगे? ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा, बस। और उसके साथ साथ क्या लिखेंगे आप? कॉम्पिटेंसी। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? द एक्सपर्टीज, बस इतनी बात आप लिखेंगे। लेकिन अब मेरा सवाल सुनिएगा और फिर हम JSW के मुताबिक उसका जवाब देंगे। मेरे एक बात बताइए, अगर आपके पास रिसोर्सेज तो सारे हो और कॉम्पिटेंसी लो हो, तो रिसोर्सेज ज़ाया हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मुझे काम ही नहीं आता तो मैं, मुमकिन है बहुत सारे कस्टमर स्टूडेंट ज़ाया कर दूँ, स्टूडेंट मुझसे आ क्लास पढ़ेंगे, कहेंगे नहीं सर हमें समझ नहीं आई, आपको तो पढ़ाना नहीं आता, लोग चले जाएंगे। नुकसान किसका हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बेशुमार सेटिस्फाइड कस्टमर ज़ाया कर दिए, ऐसे हो ना बच्चे? लेकिन अगर मेरे अंदर कॉम्पिटेंसी है तो मैं, मुमकिन है कि दो को ऐसा पढ़ाऊँ कि वो छः को और को ले आएँ कि यार यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ पर सही पढ़ाया जा रहा है। पॉसिबिलिटी है ना बच्चे? ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। इस तरह मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने चार लोगों का इलाज किया, तो वो चार लोग छः लोगों को अगर रेफरेंस करेंगे यार वहाँ चले जाएँ, वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट दिया रहता है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे मैं ट्रीटमेंट भी सही नहीं देता, किसी को फ़ायदा भी नहीं होता, तो हर बंदा कहेगा यार वहाँ ना जाना कम अज़ कम, ऐसे है ना बच्चे? इसका मकसद ये हुआ, मैंने पहला एंगल बताया है आपसे। व्हाट इज़ द फर्स्ट एंगल? इफ़ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सरप्लस रिसोर्सेज, सरप्लस क्या होते हैं? ज़्यादा, सरप्लस रिसोर्सेज and has less competency, then resources can be wasted and misled. ये बताना है बच्चे examiner को, ये definition का part है कि अगर organization के resources तो company के पास बहुत सारे हैं,
लेकिन कॉम्पिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके रिसोर्सेज ज़ाया हो सकते हैं या मिसयूज हो सकते हैं। वाइस वर्सा क्या होगा जी? अगर रिसोर्सेज कम भी हैं लेकिन बंदे बहुत कॉम्पिटेंट हैं, तो वो थोड़े इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ये होता है कमाल। बस इफ द सेकेंड वन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड हैज हाई कॉम्पिटेंसी, दे कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट यूजिंग थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज। थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड थ्रेशोल्ड होते हैं, मिनिमम या लिमिटेड रिसोर्सेज, उसे हम थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज कहते हैं। तो यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉम्पिटेंसी अच्छी हो और ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज जो है वो थ्रेशोल्ड हो, तो वो थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज को भी मैक्सिमम आउटपुट में जनरेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उनका कमाल होता है, ये उनकी खूबी होती है। ऑल ऑफ यू आगे चले बेटे। नाउ अब रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करना है। मुझे बच्चे एग्जाम में सवाल ही कैपेबिलिटी का नहीं आया, आए रिसोर्सेज का सवाल है, तो फिर क्या करेंगे? एग्जामिनर आपसे कहता है एक्सप्लेन व्हाट आर द मेन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या एनालाइज द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपको यहाँ से सवाल का आगाज करना है। तो मेरी बातें समझ में आ रही है ना? जरा सवाल का मैंने इसलिए कहा फोकस सवाल पे होना चाहिए आपका, सिर्फ जो है वो कंटेंट पे सवाल नहीं, सवाल सॉल्व किया जाता। कंटेंट क्या है बच्चे? रिसोर्सेज। लेट्स सी, रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं बच्चे। ये डायग्राम बच्चे आपको साथ साथ बनानी पड़ेगी, या डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको फायदे में रहेंगे। आप इस डायग्राम को बनाने का मकसद, डायग्राम एग्जाम में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको एग्जाम में एक्सप्लेन करें। एक वन लाइनिंग एक्सप्लेन करना होता है आपने, वन लाइनर एक्सप्लेनेशन। नंबर वन, आपने हेडिंग दी रिसोर्सेज और आगे आपने क्या लिखना है? रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू, देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज एंड, बस एक लाइन लिखी आपकी, एक लाइन ये समझ लीजिए, एक लाइन लिखी है आपने। डायग्राम का फायदा ये होता है कि जरा थोड़ा सा पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन की वजह से आपको चीजें आपके दिमाग में आ जाती हैं। बच्चे दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चे यूनिक वो होते हैं जिनसे कंपेटिटिव एज मिलता है। और थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज मैंने अभी बताया वो कौन से होते हैं? लिमिटेड, जो लिमिटेड होते हैं। फाइन, अब ये डायग्राम दोनों के साथ सेम बन सकती है। मुझे यूनिक रिसोर्सेज टेंजिबल, और तो ये थ्रेशोल्ड भी टेंजिबल और इंटेंजिबल ही होते हैं। सिर्फ मैं अब डायग्राम का एक रुख बनाऊंगा, दूसरा अब आपको, आप सवाल में देख लीजिएगा कि वहां पर सवाल नेगेटिव एस्पेक्ट से आया हुआ है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट से। ये कौन सा एस्पेक्ट है? ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, यानी आपके पास हालात और वाकयात बिल्कुल फारिग हैं। तो ये बात हो रही है पॉजिटिव रिसोर्सेज की, यही डायग्राम उसके साथ भी बनेगी। मैं यहाँ नहीं बना रहा, अब मैं जो यहाँ बनाऊँगा यही डायग्राम उसके साथ भी बन सकती है जी। बच्चे टेंजिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनको आप टच कर सकते हैं, फिजिकल होते हैं जी बच्चे। तो इनटेंजिबल रिसोर्सेज क्या हैं? कंपनी के कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, गुडविल, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड लॉयल्टी और रिलेशनशिप विद सप्लायर, ये जितने अच्छे हैं। अब बच्चे प्लीज वहां का लिखेंगे, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बस दरमियाने से हैं, और यहां पर क्या कह रहे हैं? सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तभी तो ये यूनिक है। फाइन, टेंजिबल रिसोर्सेज आर थ्री टाइप्स, फिजिकल, HR एंड फाइनेंशियल। फिजिकल में लैंड, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, टेक्नोलॉजी, सब ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट। HR में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर। अब देखिए बच्चे मैंने यहाँ कॉम्पिटेंसी ऐड नहीं की हुई, ये बात याद रखनी है, कॉम्पिटेंसी सेपरेट रखी है, वो क्या है? एक्सपर्टीज। तो जरूरी नहीं कि डॉक्टर है तो एक्सपर्ट भी होगा, जरूरी नहीं कि इंजीनियर है तो एक्सपर्ट भी होगा। तो ये HR आपके पास पूरी है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अकाउंटेंट, टीचर, ऑडिट, ऑडिटर्स, डिपेंडिंग आपकी काम क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका हॉस्पिटल है तो फिर डॉक्टर आपका HR है, अगर आप जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो इंजीनियर्स हैं, अगर आप कोई लॉयर कंपनी, लॉयर है तो फिर लॉयर कंपनी आपके पास है, अकाउंटेंट है कोई आपके पास, चार्टर्ड फर्म है तो आपको अकाउंटेंट और आपको ऑडिटर की जरूरत होगी, अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो फिर टीचर सही होंगे। और फाइनेंशियल में आपके पास पैसा कितना है और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं आपके पास, पढ़े थे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वेरी गुड।
फाइन जी, ये था जनाब रिसोर्स एनालिसिस कि एक कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं। या तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपके पास गुड अनाफ हो सकते हैं, या ये रिसोर्सेज आपके पास ज़रा महदूद हो सकते हैं। फाइन बच्चे, हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने शायद आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे ख्याल के मुताबिक शायद एग्ज़ाम में आ जाए, जो मेरी परसेप्शन है, माइट बी राइट माइट बी रॉन्ग। मैंने कल दो आपको परसेप्शन अपनी बताई थी। मेरे ख्याल के मुताबिक इस मरतबा एग्ज़ाम में शॉर्ट एनालिसिस और फेस्टल एनालिसिस के आने का चांस है। ये मैं अभी भी दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आप कह देंगे निशा साहब ने तवीज़ दिया था, तवीज़ ने काम नहीं किया, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बता रहा मैं। ये मेरी एक असेसमेंट है बीइंग अ टीचर। अल्लाह करे कि जो मैं सस कर रहा हूँ अल्लाह उसमें आपको भी कामयाब कर दे, मुझे भी कर दे। शॉर्ट एनालिसिस मैं वैसे कल पढ़ा चुका हूँ, कुछ याद है जी? सादा लफ्ज़ों में ये कौन सा पॉइंट है जी? वेरी गुड, याद है ना कल ये? हमने कहा था हमने किसी मुश्किल में अपने आप को डालना ही नहीं है, हमने बस ये बात याद रखनी है हर पॉजिटिव पॉइंट एस या ओ है, हर नेगेटिव पॉइंट डब्ल्यू या टी है। ये पहला फिल्टर लग गया, ये पहला फिल्टर लग गया, हर पॉजिटिव एस या, तो हम यहां पर ऐड कर लेते हैं। देखिए बच्चे, एवरी पॉजिटिव इधर एस और ओ, एवरी नेगेटिव इधर डब्ल्यू और टी। Easy? लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हर पॉजिटिव में एस और ओ है तो मैं एग्जाम में डिफ्रेंशिएट कैसे करूंगा कि ये एस है कि ओ है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये वाला पार्ट इंटरनल है और ये वाला पार्ट एक्सटर्नल है। वेरी गुड। तो आपने शॉर्ट एनालिसिस बगैर किताब के पढ़े अल्लाह की रहमत से कंप्लीट कर लिया। अब इस पर सवाल सॉल्व कर लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा सवाल सॉल्व करते हैं। मैं सी फैब का सवाल लेकर आया हूँ ताकि मौत की दावा दूंगा तो बीमारी पे तैयारी होगी ना आपकी, क्योंकि टीचर इतना पढ़ाता है ना तो बच्चा इतना बढ़ता है। तो मैं इतना बड़ा सवाल कराऊँगा तो इतना तो इंशाल्लाह फिर आप सॉल्व कर ही लेंगे अल्लाह ने चाहा तो एग्ज़ाम के अंदर। तो हमें एस क्या है? एस स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू वीकनेस है, ओ अपॉर्चुनिटी है, थ्री थ्रेट है। अभी मैंने बताया कि एस ओ क्या है? बेनिफिट्स। डब्ल्यू टी क्या है? प्रॉब्लम्स। लेकिन एस और डब्ल्यू हमेशा इंटरनल होते हैं, ओ और टी एक्सटर्नल होते हैं। ये एरिया आपको नहीं आएगा बच्चे, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए लिख लें। जब अगर आप खाली वो कह दें एक्सप्लेन व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस, ऐसे वो कह दें आपको नहीं, तो आप उसको बता सकते हैं कि सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ इंटरनल और साथ साथ जो करंट इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, वो भी आपके होते हैं। लेकिन ये केस स्टडी में अप्लाई नहीं होता, ये केस स्टडी में ये अप्लाई होता है सिर्फ। तो ये आपको सवाल दूं, अब आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह जी। वेरी गुड। तो मैं 10 मिनट के ले रहा हूं ब्रेक और 10 मिनट के लिए सवाल आपके सामने है, आपने सॉल्व करना है बैठ के। मैं वापस आऊं तो आंसर चाहिए मुझे आपसे। फाइन जी, थैंक यू वेरी मच। ये जी सवाल शुरू करने से पहले एक मरतबा दोबारा, हर वो खूबी जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड से डेवलप हो, हर वो खूबी जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड से डेवलप हो स्ट्रेंथ, हर वो नाकामी जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड की वजह से आए वीकनेस, फायदा। अब हर वो फायदा जो बाहर की वजह से आए, कस्टमर की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, कंपेटिटर की वजह से, फाइन, ये अपॉर्चुनिटी है। और हर वो नुकसान जो इन्हीं की वजह से आए, बस इतनी सी बात है। यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ लिखी हुई हैं, जो गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी हैं वो अपॉर्चुनिटी हैं, जो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है वो थ्रेट है। कोई एक थ्रेट बताएं बच्चे यहाँ लिखा हुआ है। वेरी गुड। क्यों? वेरी गुड। कल हमने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पढ़ी थी, याद है ना बच्चे? ये वही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो आपकी बस सर्विस है, वहाँ ट्रेन चलेगी तो अल्टीमेटली आपके कंपेटिटर्स क्रिएट होंगे, यानी कस्टमर के पास चॉइसेस बढ़ जाएंगी, तो ये थ्रेट थरी। ले बच्चे मैं सवाल जल्दी सॉल्व कर दूंगी। सिटी एक्सप्रेस ऑपरेट इंटरसिटी पैसेंजर बस सर्विस ओवर 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। ये आप चला रहे हैं, गवर्नमेंट चला रही है? हम चला रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? स्ट्रेंथ। फाइन। इट वाज
incorporated in 2015 when government of Sindh goes awarded the company exclusive road permit. किसने दिया भाई रोड परमिट? गवर्नमेंट ने दिया है आपको. ये स्ट्रेंथ भी है, अपॉर्चुनिटी भी है. अपॉर्चुनिटी क्यों है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने परमिट दिया है. लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध परमिट बांट रही थी या आपकी खूबियों को देखकर परमिट दिया होगा? यस, इसका मकसद यह कि मेरी कंपनी में कोई सलाहियत थी तो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको. लेकिन अच्छे अगर बच्चे आप लोगों ने खाली अपॉर्चुनिटी लिख दी थी और स्ट्रेंथ नहीं लिखी थी तब भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा. बहुत बड़ा नुकसान पॉइंट्स में मार्क्स कर देंगे पॉइंट्स में जी. टू ऑपरेट इन डिस्टेंट एरिया ऑफ सिंध सीई वाज एन इंस्टेंट सक्सेस बिकॉज ऑफ वाइड एरिया कवरेज. हम बहुत बड़े एरिया कवर कर रहे हैं. स्ट्रेंथ है कि नहीं है? ये भी हमारी स्ट्रेंथ है. वेरी गुड. लो टिकट प्राइस, हमने प्राइस भी कम रखी हुई है, ये भी हमारी स्ट्रेंथ है. एंड लार्ज फ्लीट स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारे पास बेहतरीन नई बसें मौजूद हैं, ये भी हमारी स्ट्रेंथ है. इन व्यू ऑफ द इंकरेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक GOS यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज आल्सो कंसीडरिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू इंटरसिटी ट्रेन. तो मुझे ट्रेन किसका ऑल्टरनेटिव होता है? बस का. तो ये हमारे लिए थ्रेट हो जाएगा, इसलिए कि जो लोग बस पर सफर करते थे वो किस पे जाएंगे? कुछ लोग ट्रेन पे भी चले जाएंगे. तो मैंने कल भी बताया था कि न्यू एंट्रेंट आए तो अपने कस्टमर साथ लेकर नहीं आता, वो हमारे कस्टमरों को ही ग्रैस्प करता है अपनी तरफ. यहाँ तक ईजी? अब शॉर्ट एनालिसिस के लिए किताबें याद करने की जरूरत तो नहीं है ना जी. तो इंशाल्लाह यू सॉल्व हो जाएगा आपका शॉर्ट का सवाल. GOS has been providing subsidies. Government of Sindh क्या provide कर रही है? Subsidies, granting various tax exemption and promoting services of CE. वाजह तौर पर बताया है, मुझे इनके बारे में नहीं बताया लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया कि ये इसी को मिल रही है. गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट भी मिल रही है, सब्सिडीज भी मिल रही है और गवर्नमेंट बकायदा प्रमोट भी कर रही है. कैसे? बाय एक्सटेंसिव कवरेज इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया टू इनकरेज सीई टू ऑपरेट इन एरिया विद लो प्रॉफिट मार्जिन. यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहां लो प्रॉफिट है उसमें भी काम करती रहे तो गवर्नमेंट बकायदा प्रमोट कर रही है. बात समझ आ रही बच्चे? यानी जहां प्रॉफिट कम है, जहां प्रॉफिट और मार्जिन कम है, आपने टिकट प्राइस कम रखी हुई है और उसके साथ साथ आपकी गाड़ी के एक्सपेंस ज्यादा है, गाड़ी की मेंटेनेंस खर्चा है, आपने ड्राइवर के पैसे देने हैं, गाड़ी की जो है वो आपने जो है वो उसका पेट्रोल एक्सपेंस देना है, ये सारे खर्चे आपके ज़्यादा हैं. तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप चलाते रहें तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव भी दे रही है और साथ साथ आपको प्रमोट भी कर रही है. अपॉर्चुनिटी है कि नहीं बच्चे? वेरी गुड, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. ओ लिख रहा हूँ जी. जी बच्चे, स्टिल सर्टन रूट्स आर नॉट प्रॉफिटेबल. दीज इन दीज रूट बसेस ऑफन डिपार्ट लेट. हमारी गाड़ी लेट होती है. अभी गवर्नमेंट तो नहीं करा रही ना, किसकी वजह से हुआ है? हमारी वजह से. ये क्या बच्चे? वीकनेस. एंड शेड्यूल आर कैंसल्ड फ्रीक्वेंटली. ये बच्चे शेड्यूल कैंसल नहीं होना चाहिए, वे तो कस्टमर बेचारा जो है मुसीबत में आ जाएगा. ये हमारी दो बड़ी वीकनेसेस हैं. द मैनेजमेंट ऑफ सीई इज कंसीडिंग टू निगोशिएट विद GOS टू रिलैक्स रिस्ट्रिक्शन ऑन फिक्सेशन ऑफ फेयर रेट टू काउंटर इंक्रीजिंग फ्यूल कॉस्ट. गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि जनाब गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करे. तो ये क्या होगी बच्चे? अगर गवर्नमेंट मान जाती है तो ये अपॉर्चुनिटी होगी. आपको आंसर कैसे देना है? इफ इफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट इट देन दिस वुड बी अपॉर्चुनिटी. इस तरह ही आंसर देना है बच्चे, तब नंबर मिलेंगे, वरना खाली ये लिखने का नंबर नहीं है. ये है बच्चे इसका बेसिकली मेन वे. अब मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ. ऐसे आंसर देना है आपने इसका. ये एग्जामिनर का आंसर है, मैंने अभी आपको बताया है. ये 2020 का आपका BMS का पेपर का सवाल है. ये आपके अकाउंटिंग यानी आपके ICAP का सवाल है. ये सवाल मैं अपनी तरफ से लेकर नहीं आया जी. इसी तरह स्ट्रेंथ लिखनी है, इसी तरह आपने वीकनेस लिखनी है, इस तरह अपॉर्चुनिटी लिखनी है और इसी तरह आपने थ्रेट लिखना है जी. फाइन जी बच्चे, डिपेंड करता है. असल में लो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस नहीं है, हमारी वजह तो नहीं है ना, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होंगी तो नहीं बच्चे. आप उसको बेसिकली थ्रेट में डालो ज़्यादा बेहतर है जी. सॉरी जी बच्चे, ये थ्रेट हो सकता है जी. और फिक्सेशन ऑफ फेयर रेट जो है इसका फायदा ये होगा कि अगर फ्यूल कॉस्ट बढ़ भी जाएगी तो आपको बेनिफिट देगा.
बेनिफिट गवर्नमेंट से आप ले रहे हैं ना, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है इसका, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। सर, अगर देखें ना फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है तो हम कस्टमर से तो लोअर चार्ज कर रहे होंगे। नहीं बच्चा नहीं, इसलिए कह रहा है, अब गवर्नमेंट से आपने फिक्स रेट की बात करनी है तो आपने एज पर दी फ्यूल कॉस्ट ही करनी है ना। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी कि जब गवर्नमेंट आपसे बात करेगी ना फिक्स उसके ऊपर, तो गवर्नमेंट फिर आपको उसके मुताबिक पेट्रोल की प्राइस भी वैसे देगी। जैसे आपको मालूम हो कि जो होटल्स होते हैं वो चिकन जो है वो मार्केट से लेते हैं, आपको मालूम है कि मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट जैसी मर्जी होती है, उनको प्राइस उसी पे मिलता है, उनको उसी प्राइस पे, वो क्योंकि वो बेसिकली क्वांटिटी में बाय कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे कंपनसेशन, उसने पहले भी क्या गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही है, तो इसलिए हमने ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी में लिखना है। बच्चा ये तो 12 नंबर का क्वेश्चन था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको इतना बड़ा सवाल शायद ना आए, इतना बड़ा सवाल भी शायद ना आए, ये सवाल भी बहुत बड़ा है। ये तो मैंने सिर्फ आपको इतने बड़े की प्रैक्टिस कराई है एग्जाम में, मुमकिन है शायद एक ही पैराग्राफ हो छोटा सा, तो मैं बड़ा सवाल इसलिए करा दिया कि चाहे चलें थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मॉडल भी बहुत आसान है ना, आसान मॉडल है तो आपके लिए प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। ले बच्चे लास्ट थिंग, मार्केटिंग मिक्स बड़ा आसान सा मॉडल है। बच्चे आपको मालूम है कि मार्केटिंग किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने कस्टमर को अवेयरनेस देनी होती है। बच्चे ये क्या कह रहा है, जरा बात ध्यान सुन लेंगे, अगर आप इसकी बेसिक समझ जाएंगे तो ये 5 मिनट की कहानी है, बल्कि 5 मिनट ही 5 सेकंड की कहानी है। आपने कस्टमर को अवेयर करवाना है, किस किस चीज़ के बारे में अवेयर कराना है, ये कहता है ये 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्या खूबियाँ हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं ये बताएं। नंबर 2, उसको बताएं कहाँ से मिलेगी, उसको बताएं एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करें। और 3, कस्टमर को बताएं कि इसकी प्राइस इतनी, ये इतनी सी कहानी है। तो ये बेसिकली कुछ बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, फिर भी आप देख लें ये क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट में। दिस इंक्लूड द प्रोडक्ट फीचर, ड्यूरेबिलिटी, डिज़ाइन, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, वारंटीज एंड गारंटीज, ऑल ऑफ यू। प्लेस द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ट्रांसपोर्टेशन, आउटलेट मैनेजमेंट, स्टॉक एंड वेयर हाउस। इससे क्या मुराद है, किस किस आउटलेट में मिल जाएगी, किस जगह से मिल सकती है, ऑनलाइन मिलेगी, फिजिकल मिलेगी, ये सारी की सारी प्लेस है। व्हाट इज प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स एंड प्रमोशन टेक्निक, ये सारी प्रमोशन है। एंड द लास्ट वन प्राइस, मतलब प्रमोशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अवेयरनेस। एंड व्हाट इज प्राइस, द प्राइस लेवल, आपका प्राइस लेवल क्या है, कितना डिस्काउंट आप दे रहे हैं, क्या अलाउंस देंगे, पेमेंट टर्म्स क्या हो सकती है, मुमकिन आपने क्रेडिट पे देने के कोई प्रैक्टिस रखी हो, तो ये तमाम के तमाम आपने आजकल देखा होगा मुख्तलिफ सोसाइटीज़ अपनी एडवर्टीजमेंट देती हैं कि हमारा प्लॉट ले, 10% आप शुरू में दे दें और 3 साल में आप, ये सारी की सारी असल में आपकी क्या है, ये प्राइस है, ताकि कस्टमर को पता हो कि ये प्रोडक्ट जो मैंने ख़रीदनी है। लेकिन प्रमोशन उसकी कोई लीफलेट पे हो रही है, कोई आउटलेट पे हो रही है, कोई ऑनलाइन पे हो रही है। प्लेस आपने बकायदा बुकिंग ऑफिस का नाम दिया होता है और फीचर लिखा होता है कि जनाब साथ में जनाब पानी नहर जा रही है, दूध की नहर भी साथ ही गुजर रही है, सारा कुछ बताया होता है उसमें। नहीं बच्चे नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है, पहला बात तो स्पेलिंग का फ़र्क है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केटिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म, मार्केटिंग के अंदर एडवर्टीजमेंट इज़ वन ऑफ द टूल, फाइन। और चूंकि अब आपने मार्केटिंग पढ़नी नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर देता। PRC में बकायदा टॉप ऑफ मार्केटिंग जो है ना, वो आप उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दी, पूरा चैप्टर मार्केटिंग का। ठीक हो गया जनाब, लेडी चूँकि आज अभी 11 बज गए हैं और तकरीबन आलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास और रह गई, तो मैं पैसल शुरू नहीं कर सकता, इसलिए कि वो फिर दरम्यान में उसको ब्रेक करना ठीक नहीं है। तो आज मैं आगे चलता हूँ, मैं एथिक्स पढ़ा देता हूँ और रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा देता हूँ, ताकि आज का काम हमारा कल वाला काम आज कर लें। कल फिर हफ्ता है हमारे पास, लॉन्ग टाइम है। कल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपने हमारी क्लास 2 बजे ख़त्म नहीं करनी, ताकि मैं बाद में जो पेपर में बाकी चीज़ें रह गई वो भी आपसे ज़रा डिस्कस कर लूँ। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करने हैं, तो कल पैस्टल पढ़ने के लिए 5 चैप्टर पढ़ने पड़ने हैं, तो 5 चैप्टर भी पढ़ने हैं, पैस्टल का सवाल भी सॉल्व करना है, फिर पास पेपर भी करना है। तो कल इंशाल्लाह 10 बजे से उम्मीद है कि हमको 3-3.5 बजे तक ले जाएंगे कल क्लास, तो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज मैं मूव करने लगा हूँ जी फिर छोटे छोटे चैप्टर्स की तरफ, लेकिन ये छोटे नहीं हैं बच्चे, ये भी आपकी एक दफ़ा tasalli.com करा देंगे आपको। अगर सवाल आ गया उसके अंदर केस स्टडी बेस, तो मैं वो काम भी साथ करके आया हूँ, एथिक्स। अरे आप एथिक्स के जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसको बहुत सादा लफ्ज़ों में, बहुत सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है,
इखलाकियात। क्या कहा जाता है बच्चे इसको? इखलाकियात। बच्चे एक बात याद रखनी है, लॉ में और इखलाकियात में एक छोटा सा फ़र्क होता है। याद रखिए, हम सादा लफ्ज़ों में ये बात कह देते हैं कि हर वो चीज़ जो लॉ पे अप्लाई होती है वो एथिकल होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो एथिकल हो वो लॉ के मुताबिक भी हो, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आते हैं तो कहीं लॉ में लिखा हुआ कि आप मुझसे बहुत शफ़क़त से पेश आएंगे, बस आपके लिए इतनी बात है कि आप मुझे अब्यूजिंग लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें और एक जनरल कम्युनिकेशन में सब करते रहें बस। लेकिन याद रखिए बच्चे, इसी एथिक्स को जब आप बिज़नेस में ले जाते हैं, ये एथिक्स का लफ्ज़ ब्रॉड है, ये हर जगह अप्लाई हो सकता है, ऑन एवरीवेयर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस एथिक्स तो फिर ये सिर्फ बिजनेस की लाइन को और बिजनेस की दुनिया को देखता है कि बिजनेस की दुनिया क्या कहती है, बिजनेस पे इसको किस तरह से अप्लाई करना है। ऑल ऑफ यू, तो अब बच्चे आज हम जो मेन टॉपिक है वो एथिक्स को पढ़ेंगे। पहले मैं सिंपल एथिक्स की एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने शो करता हूँ। लेट्स सी, ये लोग कूड़ा करकट फेंक रहे हैं बाहर, ये क्या है, एथिकल है अनएथिकल है? ये अनएथिकल है, लेकिन ये बिजनेस की, ये बिजनेस एग्जांपल नहीं है, ये सिर्फ एथिक्स समझाने के लिए, बिजनेस की एग्जांपल को देखने के लिए कि बिजनेस में अनएथिकल वर्किंग क्या होती है। नंबर वन, ये बिजनेस अनएथिकल एक्टिविटीज है। एक अकाउंटेंट क्या कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, क्या ये एथिकल है? ये लॉफुल भी है, यानी इलेजिटिमेट भी तो है ना, ये 107 आपको मालूम है, इस पर सजा भी होती है कानून के मुताबिक। नंबर टू, डॉक्टर, अब इस पर सजा नहीं होती, लेकिन क्या ये एथिकल है? इंतहाई अनएथिकल है। क्या वाला बच्चे, डॉक्टर हूँ मैं और ये एक इंजेक्शन है मैंने आपको लिख कर दे दिया है, ये इंजेक्शन 10,000 रुपये का है, हालांकि इसी का सॉल्ट 2,000 में भी मिल सकता है, लेकिन जो मैंने लिख के दिया है उस पर मुझे कमीशन मिलनी है, मुझे वो मैंने 10,000 का लिख कर दिया है, जब वो जाएगा बिकने के लिए पहली बात तो वो एक ख़ास दुकान पर मिलेगा और वो दुकानदार बताएगा कि रोज़ाना कितने बिक रहे हैं, तो उन्हें पता डॉक्टर शेफ लिख के दे रहे हैं, तो बस डॉक्टर शेफ साहब को शाम को गाड़ी मिलेगी या वो हो सकता है जो भी, वट एवर जो भी उन्होंने मेरे लिए सहूलियत रखी हुई है वो मुझे सहूलत वो मिल जाएगी। इसका मकसद ये हुआ कि मैं आपकी ज़रूरत को नहीं देख रहा, अपने फ़ायदे को देख रहा हूँ, इसलिए ये अनएथिकल है, ये बद इखलाकी है। ऑल ऑफ यू, तो एथिक्स क्या है, इखलाकियात, और अनएथिक्स क्या है, बद इखलाकी। तो ये बहुत बड़ी बद इखलाकी है कि मैं अपनी जान को तो देख रहा हूं लेकिन दूसरों को नज़रअंदाज कर रहा हूं। थर्ड वन, टीचर, अगर बच्चे टीचर जो है वो दो लोगों के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दे, किसी एक स्टूडेंट को तो बहुत फेवरेटिज्म हो और दूसरे को सवाल पूछे तो उसका जवाब ही ना दे या उसको थोड़ा सा डांट डपट कर दे, तो क्या ख्याल है, ये ठीक है? ये तो ये भी गैर इखलाकी चीज़ है ना बच्चे, ये सारे बिजनेस एथिक्स हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अनएथिकल चीज़ें, ये सारी क्या हैं, बिजनेस अनएथिक्स हैं ये, और इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, बिजनेस एथिक्स। सो ये मैं बच्चे भी चंद एक मिसाल दे रहा हूँ, फिर हम किताब से इसकी तफसील भी पढ़ेंगे। आईटी स्पेशलिस्ट, आपको मालूम है बच्चे मलिशियस कोड लिख देते हैं, मलिशियस कोड क्या होता है, खुद ही उसमें वायरस डाल लेते हैं, वो वायरस खास टाइम पर जनरेट होता है, प्रोग्राम स्टक हो जाता है, फिर वो सर्विस चार्जेस के बहाने उसको ठीक कर देते हैं, वो दोबारा ठीक हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बद इखलाकी है, जब मैंने एक चीज़ बना कर दी है तो उसमें इस तरह की कोई लूप होल नहीं होना चाहिए जिससे मैं अपने सर्विस चार्जेस बढ़ा लूँ। लॉयर, आपको मालूम है कि किसी ऐसे बंदे को सपोर्ट करना जिसके बारे में लॉयर को ख़ुद भी पता हो कि ये बंदा क्रिमिनल है, तो उसको उसका केस नहीं लड़ना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ मिजाज ही उल्टा है कि हम देखें उस बंदे को बचा के बताते हैं कि एनू कंधे ने, ये होता है लॉयर कि जनाब जो क्रिमिनल भी था उसको भी बचा के निकाल के बाहर ले आते हैं, ये है अनएथिक्स। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो कि हमारे पास हैं। अब आइए इसको तफसील से देखते हैं, ये हमारे पास अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर कि बिजनेस के अंदर अनएथिकल चीजें क्या क्या हैं। नंबर वन, डिस्क्रिमिनेशन करना, हैरासमेंट, अनएथिकल अकाउंटिंग जिसमें ब्राइब्स है, हेल्थ एंड सेफ्टी से क्या मराद है बच्चे, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हेल्थ एंड सेफ्टी नामी चीज ही कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर बच्चे आप इस रूम में आते हैं और यहां पर कोई एसी ना चल रहा हो तो क्या गर्मी में बैठ सकते हैं आप, और आप इस कमरे में बैठे हो यहाँ शदीद सर्दी हो तब भी मुसीबत है, लाइट प्रॉपर ना हो तब भी मुसीबत है, डस्टिंग प्रॉपर ना हो तो आप में से बेशुमार लोग एलर्जी के मरीज हो जाएंगे। ये है हेल्थ एंड सेफ्टी, कि ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी का बकायदा ख्याल रखना। फिर टेकिंग क्रेडिट्स ऑफ अदर हार्ड वर्क, काम मेरे जूनियर ने किया है और मैं जाके बॉस को कह रहा सर मैंने करके दिया, मैंने रिपोर्ट बनाई जनाब ये वाली, तो ये काम तो आपने किया था, मेहनत तो आपकी थी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे माशाल्लाह डिस्टिंक्शन आप लोग लेते हैं जो है वो बेनिफिट टीचर ले जाता है, हालांकि टीचर ने तो सब बताना ही है, वो तो क्लास में बैठे हुए लोगों के लिए एक बारिश की नुमा है कि जहाँ पर बारिश हो रही है सबके ऊपर गिर रही है ना, लेकिन एक बारिश ऐसे जो है वो
क्रम कहते हैं, ऐसा मान लीजिए कि बर्तन में गिरी है कि जहाँ प्याला यूँ था, वरना 90% क्लासरूम में प्याला उल्टा ही होता है, बारिश गिर रही होती है वो बर्तन के बाहर ही पानी गिरता रहता है, बाहर से बह के नीचे चला जाता है, जिसका यूँ करके रखा होता है उसने, वो बेचारा पानी का खतरा उसके बर्तन में जाता है, फिर वो सैलाब होता है, उससे बेनिफिट भी ले लेता है। लेकिन बहरहाल बेनिफिट फिर भी टीचर को दिया रहता है, हालांकि मेहनत तो बेचारी स्टूडेंट की होती है, उसने मेहनत की होती है। लाइस ऑर्गेनाइजेशन में झूठ बोलना, नॉन ऑफिशियल रिलेटेड वर्क, यानी कंपनी में वो काम भी करना जो नॉन ऑफिशियल है, यानी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा काम जिम्मेदारी है और मैं बाट पर अपनी भी सेल कर रहा हूँ साथ साथ, तो ये क्या है कि मैं अपने वक्त में दूसरे कामों गलत काम में कर रहा हूँ। थेफ्ट, चोरी करना, अनड्यू प्रेशर, बिना वजह का प्रेशर डालना, हालांकि मुझे पता है कि ये काम दो घंटे में नहीं हो सकता, मैं आपसे दो घंटे में फटाफट ये काम लेकर आए, तो ये एक अनड्यू प्रेशर है, ये आपको उल्टा मजीद नुकसान देगा आपको। अनफ्रेंड वर्किंग इन्वायरमेंट, यानी लोगों से अब्यूजिंग करना, और अब्यूज ऑफ लीडरशिप, फेवरेटिज्म, प्राइवेसी एंड कॉरपोरेट एस्पॉइनेज, एस्पॉइनेज कहते हैं जासूसी को, तो बिला वजह दूसरों का ख्याल रखना, बिला वजह दूसरों को देखना। कुरान ने क्या कहा, वला तजस्सुसू वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, सूरह हुजरात के अंदर लिखा अल्लाह ने कि दूसरों की टो में ना रहो, लोगों को ना देखते वो क्या कर रहा है, अपने गिरबान में जान के देखो तुम क्या कर रहे हो, अपने ऊपर देखो बस। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में होता है जैसे जैसे देखते रहना कि वो कर रहे हैं, भाई तुम अपनी मेहनत करते रहो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग करो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम खुद बता देगी। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट काम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है सारे के सारे अनएथिकल चीज़ें, ऑल ऑफ यू। तो यहाँ तक तो ये बच्चे, ये बिज़नेस एथिक्स को हमने डिस्कस किया, बिज़नेस एथिक्स क्या है, और ये हम रिवर्स एंगल से पढ़ रहे हैं, यानी अनएथिकल चीज़ें क्या होती हैं, इनको सीधा कर दें आप तो क्या बन जाएगी, बिज़नेस एथिक्स, यानी क्या करें, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो हेरासमेंट, एथिकल अकाउंटिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन, एंड डू नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ द अदर हार्ड वर्क। तो इस तरह करके आप इसको रिवर्स करते रहेंगे, एग्जाम में सवाल दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल से आ सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये बच्चे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने का चांस होता है, इस तरह के छोटा सा टॉपिक है बच्चे, एथिकल डायलेमा, ये बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एथिकल डायलेमा किसे कहते हैं बच्चे, एथिकल डायलेमा कहते हैं कि सेम काइंड ऑफ प्रिंसिपल किसी एक के लिए एथिकल है, किसी दूसरे के लिए अनएथिकल है। सेम प्रिंसिपल सेम थिंग इज व्हाट इज एथिकल फॉर वन एंड द अनएथिकल फॉर द अदर वन। बच्चे क्या ख्याल है, हम मुस्लिम हैं बाय द ग्रेस ऑफ माइटी अल्लाह, तो क्या ख्याल है, हम समझते हैं कि शराब हराम है तो हम नहीं पीते, ना उसकी तरफ जाते हैं ना उसकी तरफ देखते हैं, क्या ख्याल है, इज इट सेम फॉर द नॉन मुस्लिम्स? वो कहते हैं उनके लिए नज़र में ये एक ड्रिंक है, उनकी नज़र में ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये सेम फिनोमिना है, सेम चीज़ है, एक ही वक्त में किसी एक के लिए एथिकल है, किसी एक के लिए अनएथिकल है। व्हाट अबाउट द मीट, हम मुस्लिम हैं, हम गोश्त खाते हैं, हम कहते हैं कि यार ये अल्लाह ने हमें हलाल किया है, लेकिन हिंदूज जो हैं वो कहते हैं कि ये तो हराम है, उनकी नज़र में उनके मज़हब के अंदर वो समझते हैं कि एक बहुत ही गलत काम हुआ है। तो सेम चीज़ है ना बच्चे, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो एथिकल है, दूसरी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अनएथिकल, इज इट राइट? इसे एथिकल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, इसका असल नाम क्या होता है, एथिकल डायलेमा, राइट? ये लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़िए। एन एथिकल कॉन्फ्लिक्ट आल्सो नोन एज एथिकल डायलेमा इज व्हेन टू एथिकल प्रिंसिपल डिमांड ऑपोजिट रिजल्ट इन द सेम सिचुएशन। अ की पर्सन बिहाइंड मेनी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चे इस समान क्या है कि एक का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और है, एक का इंटरेस्ट कुछ और है, तो जहां दो के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। टेकिंग डिसीजन इज ऑन वंस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस मेकिंग डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो ये बच्चे समटाइम ऐसा भी होता है कि आपके लिए वो चीज़ ठीक नहीं है, मेरे लिए वो चीज़ ठीक है, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि एथिकल डायलेमा में ये नहीं कहना कि मैं आपसे कह रहा हूँ ब्राइब्स करें, आप कह रहे हैं नहीं मैंने ब्राइब नहीं करनी, एथिकल डायलेमा नहीं है ये। मैं कह रहा हूँ क्या करो, ब्राइब्स करो, आप कह रहे हैं नहीं करना, ये एथिकल डायलेमा नहीं है। एथिकल डायलेमा है कि वो प्रिंसिपल जो दोनों तरफ ठीक लगता हो और एक उसको गलत समझता हो, एक उसको गलत समझ, जो गलत है वो गलत ही रहना है, ये बात याद रहेगी, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग ही रहना है, उसको आपने एथिकल डायलेमा में नहीं डालना। एथिकल डायलेमा वो चीज़ है कि जिसमें चीज़ तो ठीक है लेकिन एक प्रिंसिपल कह रहा है कि ये गलत है, दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है ये ठीक है। ऑल ऑफ यू जी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द गाइडेंस ऑफ द एथिकल इश्यूज। इससे क्या मुराद है, एथिकल इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया जाए, एथिकल इश्यूज को ख़त्म कैसे किया जाए। तो बच्चे उसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ा
मॉडल मौजूद है, कोड ऑफ एथिक्स बाय आई कैप। ये बच्चे सिर्फ आई कैप का नहीं, दुनिया में जितनी भी अकाउंटेंसी फर्म्स हैं सब ने अपने अपने एथिकल कोड बनाए होते हैं, सब ने। तो आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स है बच्चे। लकीली ये सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, ये सवाल आपको तंग नहीं करेगा, ये रिसेंट एग्जाम में आया हुआ भी है, मैं भी आपके साथ क्वेश्चन भी शो करता हूँ आपको। नहीं, द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द एथिकल डिसीजन मेकिंग फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पाकिस्तान आर गिवन इन कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मुझे कुछ फ्रेमवर्क भी बनाए हुए हैं इसको अप्लाई करने के लिए। इन एडिशन टू कोड द प्रोफेशन ऑल्सो नीड वॉट फ्रेमवर्क्स एज द प्रिंसिपल एंड अप्रोच टू मेक इफेक्टिव एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग द टू मैथड बींग इशूड आर एथिकल फ्रेमवर्क। ये एथिकल फ्रेमवर्क है, एक का नाम है ट्रिपल ए और एक का नाम है फाइव क्वेश्चन, राइट। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये सवाल दोनों अंदाज से आ सकता है, अप्लाइड भी आ सकता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता है। बहरहाल मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ये अप्लाइड आएगा, लेकिन मैं अप्लाइड की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा कि अल्लाह ना करे ये आ गया तो फिर आप तंग होंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी आपको ज़रा जहमत उठानी पड़ेगी अप्लाइड सवाल सॉल्व करने। ये बहुत आसान है, लेकिन ये उतना ही आसान है कि ये आपको उतनी जल्दी आपके जहन से निकल भी जाएगा। आपको शायद मालूम हो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हासिल करना बहुत आसान होता है, वो उतनी तेज़ी से आपके साथ से निकल भी जाती हैं। कभी आपने सिरिका को देखा रेत को, यूँ पकड़ नहीं हुआ से आती, लेकिन आप हाथ उठाएँ आधी की रेत वैसे गिर चुकी होती है। ये बिल्कुल उसी तरह का मॉडल है। कुछ चीज़ें होती हैं मुश्किल से काबू आती हैं, लेकिन फिर वो आपके ग्रिप में आ जाए तो फिर वो आपके मजबूत है। आपने कोई लोहे की चीज़ पकड़ी है, एक दफा मजबूती से आपने हाथ डाला, उठा ली, अब आपको कंट्रोल में है। तो याद रखिए कि ये एक इंसानी फिनोमिना है कि जो चीज़ जितनी मुश्किल से हासिल होती है उतनी देर रिटेन भी करती है, और जो चीज़ जितनी आसानी से आती है उतनी आसानी से निकल भी आती है। बहुत आसान मॉडल है, लेकिन आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है। एग्ज़ाम में जाने से पहले रात को आपने ये मॉडल ज़रूर सवाल सॉल्व करके जाना है, राइट। जो सवाल मैंने दिया होगा आप बेशक ये सवाल अपने पास रख लीजिएगा और इस सवाल को एक दफ़ा सॉल्व करके, आपके दिमाग में एक इमेज रहेगा कि अगर अल्लाह ना करे कि ये सवाल एग्ज़ाम में अप्लाइड आ गया तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन दोनों पे अप्लाइड सवाल आ सकता है, फाइन। आइए सबसे पहले एसीसी कोड ऑफ एथिक्स देखते हैं बच्चे। एसीसी के कोड ऑफ एथिक्स पांच हैं, आप जानते हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या फ़र्क है जनाब इन सब में? नंबर वन, इंटेग्रिटी। अकाउंटेंट कभी गलत काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, मिसस्टेटेड चीज़ें नहीं बनाता, अकाउंटेंट कभी ब्राइब्स नहीं लेता। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं बच्चे? इंटेग्रिटी, फाइन। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिविटी? अपने काम से काम रखता है, दूसरों के काम में ना टांग अड़ाता है और ना किसी को अपने काम में टांग अड़ाने देता है। ये ऑब्जेक्टिविटी है। दोनों का फर्क समझ में आ गया? इंटेग्रिटी का ताल्लुक किसके साथ है? ईमानदारी के साथ। और ये खाली क्या ख्याल है, आई क्या आपने कहा या इस्लाम ने भी कहा है? ये इस्लाम का, तो ये क्या, ये इस्लाम ने नहीं कहा कि अपने काम से काम रखो, दूसरों के कामों में मत उलझो, किसी कौन क्या कर रहा है दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि काम जॉब करने से पहले ट्रेनिंग हासिल कर लो, वो काम आए तो करो, वो काम नहीं आता तो ना करो। तो आप क्या करते हैं कि ये दोनों चीज़ हासिल नहीं करते आप? क्या ख्याल है अभी आपको, माशाल्लाह जब आप ये स्कैफ्ट कंप्लीट कर लेंगे तो कहाँ जाएंगे? ट्रेनिंग के लिए जाएंगे ना। क्यों? इसलिए कि ताकि जब आप किसी फर्म में जाएं तो उसका बेड़ा गर्क ना करें, बल्कि वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा दे सकें आप। वरना पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, डिग्री लें और जाके किसी दूसरी फर्म का बेड़ा गर्क करें, जाके जहाँ चेक करके ट्रेनिंग वहाँ जाके लें, ऐसे होगा ना बच्चे? तो यहाँ पर ये खूबी है, ये आई कैप ने आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना कर रखा हुआ है कि पहले आप आधा पढ़ लें, आधे के बाद फिर आप उसको अप्लाई करें और फिर आखिर में फाइनल में ऑल पढ़ लें, सैंडविच बनाएं अपनी ट्रेनिंग का नॉलेज के साथ और उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाकर सपोर्ट करें। ये है, इसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। द नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इसे क्या मुराद है? ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कभी लीक आउट न करें। आपके पास सारी मालूम होती है, अकाउंटेंट के पास तो हर मालूम होती है ना कि कितना पैसा आया, कितना गया, इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, इसको बाहर नहीं बताना, ये राज है। एंड द लास्ट वन, प्रोफेशनल बिहेवियर। आप कभी अग्रेसिव नहीं होंगे, आप कभी अनएथिकल बिहेवियर से किसी से गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये है बच्चे, ये सारे के सारे आई कैप कोड ऑफ एथिक्स है, इनको ऐसे एक्सप्लेन करना है बस। इस ये अप्लाइड नहीं आता सवाल,
लेकिन ये मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन में अप्लाइड आ सकता है, इसलिए मैंने बहुत तफसील से बताया। अगर बिहेवियर की बात हो रही होगी तो वो आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द आई कैप कोड ऑफ एथिक्स कैन बी अप्लाइड। अगर बात हो रही होगी ईमानदारी की तो वो चारों लिख देगा, आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द एथिकल कोड ऑफ आई कैप कोड ऑफ एथिक्स कैन बी अप्लाइड, तो आप कहेंगे इंटेग्रिटी, तो आप इंटेग्रिटी वाले क्लिक कर देंगे। तो ये सवाल मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फाइनली लोरी प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो आप पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिपल ए एन फाइव क्वेश्चन। ले बच्चे जरा पहले इसको ध्यान से देखिए और इसको देखने के बाद फिर हम इसके मुताबिक इसके सवाल को सॉल्व करेंगे। नंबर वन, वो कहता है जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं, कोई टास्क का आगाज करते हैं, किसी नई एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं, किसी भी चीज का, बात हो रही ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लेने जा रहे हैं, वो कहता है पहले इन पांच सवालों का जवाब आपने खुद से देना है। नंबर वन, क्या ये प्रॉफिटेबल है जो आप काम करने जा रहे हैं? अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? अनएथिकल है ना बच्चे। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, अगर मेरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट ने दी है तो मुझे देखना चाहिए कि क्या ये प्रॉफिटेबल है, लीगल, क्या ये उस मुल्क के कानून के मुखालिफ तो नहीं है, क्योंकि ये दो चीज़ें मुश्किल तो नहीं है, ईजी है ना, आसानी से अंडरस्टैंडेबल है। इज़ इट फेयर, इससे बच्चे क्या बना रहा है, इससे किसी स्टेक होल्डर को नुकसान तो नहीं हो रहा? ये बात नोट डाउन कर ले, आपकी किताब में कहीं लिखी हुई, और जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह यू चुटकी में सवाल सॉल्व हो जाएगा। जी बच्चे, मैंने क्या कहा, फेयर से क्या मुराद है, किसी स्टेक होल्डर को नुकसान तो नहीं हो रहा, फायदा हो रहा तो लिखना है आपने कि फलां फलां को फायदा होगा, लेकिन एग्जाम में क्या ख्याल है, हमेशा सवाल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव भी तो आ सकता है, तो आप बताएंगे कि ये फेयर नहीं है। मुमकिन है प्रॉफिटेबल हो लेकिन फेयर ना हो। इज इट राइट, बट इससे मुराद ये है इसका इंटरेस्ट किसको, ज्यादा फायदा किसको हासिल होगा, इंटरेस्ट किसको हासिल होगा, ये है बेसिकली फेयर। तो फेयर से क्या मुराद है, ये तो नहीं है कि मुझे फायदा हो रहा है आपको नुकसान हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे फायदा हो जाएगा गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। मिसाल दे दें बच्चे आप कोई, जी कंपनी का फायदा होगा, वेरी गुड, वेरी गुड एग्जांपल। अगर मैं टैक्स बचा लेता हूँ तो मैं कंपनी को तो फायदा दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस आवाम को नुकसान नहीं पहुँचा रहा बच्चे, वो टैक्स आवाम के काम के लिए इस्तेमाल हो सकता था। और भी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं बच्चे, आपको मालूम है हम आजकल पानी बेचते हैं, हम ये सोसाइटीज़ बेच रहे हैं, आपको मालूम है इतनी सोसाइटी बनने के बाद नुकसान क्या हो रहा है, हमारी जो ज़रात है, जो हमारी जो है बेसिकली ग्रीन लैंड है, वो सारी ख़त्म हो रही है, और देखिए पोल्यूशन बढ़ गई है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुल्क के अंदर, ऐसे है ना बच्चे। तो ये है बेसिकली प्रॉब्लम, इसे कहते हैं फेयर, सॉरी इसे कहते हैं राइट। एंड द लास्ट वन, ये तो बहुत आसान सी बात है कि आप इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे कहीं, आपकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके काम से किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने फैक्ट्री लगा ली है, अब फैक्ट्री से धुआं अच्छा खासा निकल रहा है और पोल्यूशन फैल रही है, तो मैं तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हूं। मैं दरख्त पर दरख्त काटता जा रहा हूं तो क्या ख्याल है, मैं इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉल्व क्वेश्चन। टेक 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स ले, 5 मिनट ले लें, इसको सॉल्व कर दें। नंबर वन, बिग कंपनी इज प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री इन अ डेवलपिंग कंट्री। बड़े किसका सवाल है, बिग कंपनी का। Analysis shows that the new factory investment will be more profitable than alternative because of cheap labor and land cost. Profitable है या नहीं है? लेकिन साथ में reason बतानी है। आपने कहना है it is possible, it is profitable because cheap labor and land cost. यानी यहां पर cost, land cost कम है और उसके साथ साथ labor क्या है, सस्ती है। तो मैं इसको क्या कह रहा हूं, मुझे ये क्या है, it is profitable, very good।
द गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री हैज हेल्प द कंपनी विद इट्स लीगल कंप्लायंस. हाँ जी, लीगल भी है कि नहीं है? तो ये लीगल भी है. कैसे पता लगा? गवर्नमेंट कर रही है आपके साथ लीगल कंप्लायंस, लीगल भी है. विच इज नाउ फुली कंप्लीट एंड द लोकल पॉपुलेशन इज एक्साइटेडली वेटिंग फॉर द जॉब विच विल. हाँ जी, ये फेयर भी है. लोगों को जॉब्स मिलेंगी. शेयर स्टेक होल्डर कौन से हैं? ये है स्टेक होल्डर. ये जो पब्लिक है, लोकल पॉपुलेशन, वो इंतजार कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट और ये बिग फैक्ट्री लगेगी या काम होगा तो हमें क्या मिलेगी? जॉब. तो ये फेयर भी है. मेरे किसका जिक्र आया? शेयर होल्डर का, स्टेक होल्डर, सॉरी, स्टेक होल्डर का जिक्र आया. आगे देखिए, इन रिटर्न या इन टर्न ब्रिंग मच नीडेड इकोनॉमिक ग्रोथ टू डेवलपिंग कंट्री. व्हाट इज दिस? ये है बेसिकली आपका व्हाट? ये क्या है? सॉरी, हाँ जी, राइट, हाँ जी, राइट राइट राइट. ये जो आपने यहां पर लिखा था, इज इट राइट और नॉट? ये है राइट. द फैक्ट्री इज टू बी बिल्ट ऑन रिक्लेम ब्राउन फील्ड. मतलब ब्राउन फील्ड कहते हैं जो ग्रीन फील्ड ना हो, यानी जो ऐसी फील्ड है जिस पर एग्रीकल्चर नहीं हो रही, आप एग्रीकल्चर फील्ड को नुकसान नहीं पहुंचा रहे. लैंड विल प्रोड्यूस अ लोअर यूनिट रेट ऑफ एनवायरमेंटल एमिशन. तो ये क्या है बच्चे? इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी है. इजी है तो आसान, लेकिन मैंने कहा जितनी आसानी से आता है उतनी आसानी से चला भी जाता है. ये इसका आंसर है जनाब. यू कैन सी द आंसर. व्हाट इज दिस? यस, द इन्वेस्टमेंट विल इनेबल द कंपनी टू मेक सुपीरियर रिटर्न देन द ऑल्टरनेटिव. द केस एक्सप्लेन दैट दीज आर बिकॉज ऑफ चीप लेबर एंड लैंड कॉस्ट. इजी? Yes, the government of the developing country presumably very keen to attract the investment as help the company its legal issues. As fair as well can tell, yes, the only stakeholder mentioned in the case study of scenario is workforce of the developing country. But aisa bhi mumkin tha कि वो कह देते कि वहां बेशुमार गरीब लोगों की झोंपड़ियां हैं, उनको उठाया जा रहा है. तो फिर आप कहते कि जो वर्कफोर्स है उसको तो लिए तो फेयर है, लेकिन वो जो वहां पर लोग रह रहे हैं, जो वहां के रेजिडेंशियल है, उनके लिए क्या है? अनफेयर है. ऑल ऑफ यू. तो यहां उसने कहा चूंकि एक ही, तो हु आर टोल्ड एक्साइटेडली वेटिंग फॉर द जॉब्स. राइट, the scenario explained that the factory will help the developing country with much needed economic growth, and yes, the scenario specifically mentioned as environmental advantage from the investment. So in this especially simplified case, the decision is clear as it. To aage bache wo sara usne data wo yahan se wahan se uthaya hua, apne isne explain kar diya ki aapki organization jo hai wo kis tarah se beneficial hai ji, yani ye decision jo की ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है वो ठीक है या नहीं है. ऑल ऑफ यू आंसर लेना इसका जी. यू कैन टेक. क्वेश्चन भी ले लें जी. आगे हो गया जी. ले जी अनदर बिग, ये उससे भी ज्यादा आसान है जो अभी आपने पढ़ा है, लेकिन ये इतना रिपीटेडली है कि जरा थोड़ा सा तंग करता है. आप इसको मेरे लफ्जों से सुन लीजिए एक मरतबा, कि जो आप अपनी लैंग्वेज में चीज को सीखते हैं ना, वो अंग्रेजी में नहीं आपको समझ आ सकती. आल दो कि इसकी अंग्रेजी बहुत आसान है, लेकिन अपनी जुबान, अपनी लैंग्वेज का मजा कुछ और है. उससे जो बात समझ में आती है वो दूसरे की लैंग्वेज में समझ नहीं आ सकती. नंबर वन, इस्टैब्लिश द फैक्ट ऑफ द केस. इससे क्या मुराद है? आपने बताना है कि इस वक्त जो मेन डिस्कशन है वो किस चीज पे हो रही है, यानी सब्जेक्ट या डिस्कशन. या मेन सब्जेक्ट क्या है? मैं सादा लफ्ज में इसको लिखता होता हूं समरी.
आपने समरी बयान कर देनी है कि इस सवाल में, इस केस में एग्जामिनर ये बात कर रहा है या इसमें ये वाली बात हो रही है। और अगर आपने खाली एक्सप्लेन करना पड़े आपको, तो फिर आप ये कहेंगे कि आपने बेसिकली जो मेन जो कंटेंट है उसको डिस्कस करना है, इस पर जो उस वक्त डिसीजन लिया जा रहा है। नहीं बच्चे, नहीं अभी नहीं, अभी तो फैक्ट्स के अंदर आप ये बताएंगे कि यहाँ ये वाली बातें अंडर डिस्कशन है। फाइन, सादा लफ्ज में आप लिख लें एजेंडा, एजेंडा कि इस मौजू पे आज बात होनी है, उसे एजेंडा कह सकते हैं आप। जी, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन द केस, बच्चे आपने इसमें से वो चीजें आइडेंटिफाई कर लेनी है जो अनएथिकल है और वो चीजें भी आइडेंटिफाई कर लेनी है जो एथिकल है। आप आंसर क्या दे रहे हैं बच्चे इसका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एथिकल एंड अनएथिकल एक्टिविटीज, बस इश्यूज लिख लें, एथिकल एंड अनएथिकल इश्यूज एंड एथिकल इश्यूज दो आप उसमें एंटर कर लेंगे। एंड आइडेंटिफाई ऑफ द नॉर्म प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटेड टू केस, बच्चे आपने अब यह बताना है कि आप एथिकल वैल्यूज क्या कहती हैं, एथिक्स क्या कहता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, व्हाट एथिकल प्रिंसिपल्स या फ्रेमवर्क आपको एथिकल प्रिंसिपल किस चीज का राइट देते हैं, किस चीज का राइट नहीं देते। तो व्हाट एथिकल प्रिंसिपल सेज या एक्सप्लेन व्हाट एवर द व्हाट इज द राइट फ्रेमवर्क, जो भी आपके पास है वो आपने वो बताना है। ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज आइडेंटिफाइड, बच्चे वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, या आई एम सॉरी जो कुछ आपने पॉइंट नंबर टू में आइडेंटिफाई की थी उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है बस आपने, जो पॉइंट नंबर टू में आइडेंटिफिकेशन की थी मिसाल के तौर पर क्या चीजें अनएथिकल है, क्या चीज एथिकल है, उनको एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या चीज है। नेक्स्ट, मैचिंग नॉर्म प्रिंसिपल एंड वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, बच्चे वो कह रहा है ये बताइए आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, किसकी नजर में, अकॉर्डिंग टू द एथिकल फ्रेमवर्क या अकॉर्डिंग टू एथिक्स। जी, द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ आउटकम आर कंसिडर्ड, बच्चे वो आपसे पूछेगा आपने जितने भी ऑप्शन उसने आपको दी हुई हैं, मिसाल के तौर पर दो ऑप्शन दी हुई हैं, तीन ऑप्शन दी हुई हैं, चार ऑप्शन दी हुई हैं, आपने तमाम ऑप्शंस के कॉन्सिक्वेंसिस, कॉन्सिक्वेंसिस क्या होते हैं, नतीजा, अगर ऑप्शन वन को अडॉप्ट करता है तो क्या नतीजा निकलेगा, ऑप्शन टू को करेगा तो क्या नतीजा निकलेगा, ऑप्शन थ्री को करेगा तो क्या नतीजा निकलेगा। फाइनल में बच्चे आपने अपना कंक्लूजन देना है कि इसको ये करना चाहिए, कंक्लूजन। फाइन जी, आपको एक सवाल दे रहा हूं जी, एंड टेक योर 5 मिनट्स ओनली एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से ये सवाल को जरा सॉल्व कीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेक कर लें जी। बच्चों, नंबर वन, इस केस के अंदर क्या पूछा गया है, जो सबसे पहला आंसर आपने देना है, एजेंडा क्या है, असल में अनएथिकल कैश पेमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन ने दी है और वो ऑडिटर से कह रहे हैं कि आप मेहरबानी फरमाएं इस पर पर्दा डाल दें, और अगर आप पर्दा डालेंगे तो फिर आपको इसका कोई इंसेंटिव भी देंगे, एक बड़ा इंसेंटिव, उसने कहा जनाब एक बड़ी अमाउंट आपको पे की जाएगी नी, और ये क्या कह रहा है ऑडिटर की क्या बनेगी, वेल्थ, इसका बता दीजिए कि थोड़े पैसे नहीं है, कोई थब्बू.com है,
बड़े पैसे हैं, ठीक है बच्चे। अब ये बताइए कि अब अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन के मुताबिक सबसे पहला काम ये है कि आपने ये बताना है कि ऑडिटर इज़ बीइंग ऑफर्ड ब्राइब्स, और यहाँ पर देर आर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर वो ब्राइब्स लेता है, ये सर मैंने ओवरऑल समरी लिखनी है कि अगर वो ब्राइब लेता है तो उसकी वेल्थ बढ़ेगी, या उसको समझ लीजिए कि कोई उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है, और अगर वो ये नहीं काम करता तो अल्टीमेटली जो है वो यकीन वो इस वेल्थ से महरूम हो जाएगा, जॉब तो नहीं जा सकती उसकी, जॉब तो वहीं की वहीं रहेगी। ये इसका बेसिक काम है नंबर वन। तो आइए सबसे पहले आंसर क्या है बच्चे, व्हाट इज़ द केस। द फैक्ट दैट आर ऑडिटर हैज़ अनकवर्ड व्हाट ही बिलीव टू बी ब्राइब एंड हैज़ इन रिटर्न बीन ऑफर्ड अ ब्राइब टू इग्नोर और ओवरलुक इट। तो उसको ब्राइब ऑफर की जा रही है, या तो वो एक्सेप्ट कर ले या उसको रिजेक्ट कर ले। तो अल्टीमेटली कितनी ऑप्शन बनेगी, दो, एक्सेप्ट दी। तो ये अगला सवाल का जवाब होगा। व्हाट आर द एथिकल इशूज इन द केस। द एथिकल इशू इज वेदर और नॉट ऑडिटर शुड एक्सेप्ट अ ब्राइब। बस ये है ना बच्चे, ये एथिकल इशू कि वो ले या ना ले। कितनी ऑप्शन हो गई, दो ऑप्शन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। थर्ड वन, नॉर्म का कहते हैं बच्चे, नॉर्म ये कहते हैं कि जो ऑडिटर होता है वो शेयर होल्डर्स और उसके जो क्लाइंट होते हैं वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये देखिए क्या कह रहा है, द नॉर्म द प्रिंसिपल द वैल्यूज दैट आर ऑडिटर आर एज्यूम्ड बाय शेयर होल्डर एंड अदर एक्टिव इन कैपिटल मार्केट टू हैव इम्पैकेबल इन इंटेग्रिटी। यानी जो जिन लोगों के बिहाफ पे वो काम कर रहा है बच्चे, ये तो आपको मालूम है ना कि कंपनी के डायरेक्टरान ने तो उसे कहा है कि ये जो आपकी पेमेंट है इसको छुपा लो, लेकिन कंपनी के असल मालिकान कौन है, शेयर होल्डर। तो अगर मैं डायरेक्टर की बात मान लूँ तो असल में मैं किसका नुकसान कर रहा हूँ, शेयर होल्डर, क्योंकि उनकी अमाउंट जो है बेसिकली वो नुकसान में जा रही है। तो मैं असल में डायरेक्टर का मुलाजिम नहीं हूँ, असल में तो मैं शेयर होल्डर का मुलाजिम हूँ। तो बींग अ यू कैन से एथिकल, मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए। और हमें मालूम भी है कि एक्सटर्नल ऑर्डर हो या इंटरनल ऑर्डर हो, दोनों का असल काम होता है कि वो वेलफेयर ऑफ द शेयर होल्डर के लिए काम कर रहे होते हैं। इजी। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। दो ही ऑर्डर है, या वो एक्सेप्ट करेगा, तो मैंने आपसे कहा बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, जरा ध्यान से लिखना है, देखिए क्या लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर वन इज टू एक्सेप्ट द ब्राइब एंड इग्नोर द इरेगुलर कैश पेमेंट। ये एग्जैक्टली वही से जुमला उठाया है। एंड ऑप्शन टू इज टू रिफ्यूज द ब्राइब एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंगली। सिंपल, मैंने हमें करना क्या चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव, ऑप्शन नंबर टू सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर टू क्या है, ब्राइब्स नहीं लेनी चाहिए, ये कोर्स ऑफ एक्शन है आपके लिए। हाँ जी, फायदा नुकसान क्या है जी, हाँ जी, फायदा नुकसान क्या है। अगर वो ऑप्शन नंबर वन सिलेक्ट कर लेता है तो अमीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू सिलेक्ट करता है तो फिर वो ईमानदारी है, एक इनर पीस है, एक सुकून है उसको जो मिलेगा, और उसके साथ साथ वो एक एथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। इज इट राइट। तो जो सेवन नंबर है वो आप उस पर लिख दीजिए कि ही शुड, ही मस्ट टेक एक्शन नंबर टू एंड ही शुड नॉट अब्यूज, जो वट एवर जो भी उसने उस पर आंसर दिया हुआ है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। जी जी, इसमें सारा कुछ हो रहा है, इसमें आप यही तो बताना, इसलिए इसने कहा हुआ था कि जो आई कैप कोड ऑफ एथिक्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, ये फ्रेमवर्क है। मतलब उनका रेफरेंस देंगे, आप दिल चाहे तो दे दें, ना देना चाहे तो ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनसे आपका आंसर बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ये देखिए, उसने यहाँ पर हमें बताया भी था, अगर आपको याद हो तो मैं अभी आपसे शेयर भी करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने भी आपसे शेयर किया था कि आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, और ये दो फ्रेमवर्क वही हैं। तो ये आप चाहें तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब। फाइन जी, तो ये था जनाब हमारा दूसरा बड़ा एरिया। तो मेरा ख्याल है जी आप लोग अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें, सुबह से मुसलसल पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई 10 मिनट की ब्रेक आप ले लें, कोई चाय वाय आपने पीनी है, पानी आपने पीना है, टेक 10 मिनट ब्रेक, और इंशाल्लाह नहीं लेनी ब्रेक, आप देख लें, अगर आपने ब्रेक लेनी है तो, नहीं लेनी तो मैं नहीं दे देनी, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में चाय तो पी लेंगे ना आप आराम से। ओके ठीक है जनाब, टेक 10 मिनट ब्रेक। अभी टाइम हुआ जनाब आपके पास, ये घड़ी वैसे ही ख़राब है थोड़ी सी, मैं आपको अपने
मेरी घड़ी के मुताबिक 11:43 यानी 11:43 हुए हैं। एग्जैक्ट 10 मिनट आप ले लें और 53 पे आ रहे हैं वापस। ब्रेक लीजिए करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले बच्चे, हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, असल में इसमें एक जो काम की चीज़ समझने वाली है वो 30 जो आपका ISO 31000 है, ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। बाकी जो इसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे या कर रहे हैं वो सारे के सारे एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते भी हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिस्क क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन एनी काइंड ऑफ टास्क और एक्टिविटी, जहाँ पर कोई चीज़ अनसर्टन हो उसे हम रिस्क कहते हैं। लेकिन बच्चे एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि रिस्क के बगैर ना लाइफ गुजारी जा सकती है ना बिजनेस किया जा सकता है। हर चीज़ में रिस्क तो लेना पड़ता है, क्या ख्याल है? आप लोगों ने रिस्क लेके कैफ के अंदर जो है कैफ 6 में अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है एग्ज़ाम के लिए, रिस्क है ना? अल्लाह करे कि इंशाल्लाह आप सारे पास हो जाएं, लेकिन क्या ख्याल है? रिस्क के दोनों पार्ट हैं ना इसके अंदर। यानी जब भी कोई चीज़ अकर होती है उसके दो पहलू होते हैं, जब भी कोई चीज़ अकर होती है उसके दो पहलू होते हैं, या वो फ़ायदा देगी या वो नुकसान देगी। और एक चीज़ वो होती है कि जिसको आप जब भी करेंगे वो नुकसान ही देगी। बात समझ आ रही? इसको आपकी किताब ने सबसे पहले शुरू में एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसा रिस्क जिसके दोनों पहलू मौजूद हों उसे स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं, याद रहेगी बात। ऐसा रिस्क जिसके दोनों पहलू हों, फ़ायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, और ऐसा रिस्क जिसमें हमेशा नुकसान ही है, जैसे कि इंसान गुनाह करता है, आप ये नहीं कह सकते कि इस गुनाह से मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाना है, लेकिन उस गुनाह के नुकसान हैं ही हैं। वो जब भी होगा वो आप जब रिस्क लेंगे उस गुनाह करने का, तो आपको हमेशा नुकसान ही होना है। उसका आपको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उसी की बुनियाद पर मसला होगा। लेकिन आप ये कहीं से मुझे फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा वादा कुछ नहीं होगा। तो याद रखिए दो तरह के नुकसान होते हैं, एक वो रिस्क जिसमें हमेशा नुकसान होता है, उसे हम बेसिकली कहते हैं ये प्योर रिस्क होता है। मैंने प्योर क्यों कहते हैं इसको कि ये है रिस्क। और स्पेकुलेटिव क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसमें चांस होता है, तो जहां चांस होता है उसे स्पेकुलेटिव कहते हैं, और जहां कन्फर्म पता है कि ये करने से यही होना है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप 10 मंजिला जो है इमारत छलांग मार रहे हैं, आपको तो हो सकता है कि दरमियान में खुद ही पैराशूट बन के आपके पास आ रहे, तो ऐसा कभी नहीं होना, टांग ही टूटेगी या अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो सकती है। ऐसे ना बच्चे, ये वो रिस्क है जिसको प्योर रिस्क कहते हैं। प्यास जो है क्या नाम कहते हैं, जहर का प्याला पीने के बाद आप कहें कि हो सकता है अल्लाह मेरे लिए इसको शरबत बना दे, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि ये रिस्क प्योर रिस्क है जिसमें कन्फर्म पता है कि इसका यही रिजल्ट है। बच्चे जहाँ रिजल्ट में ऑप्शन मौजूद हो कि हो सकता है ये हो जाए, मिसाल के तौर पर व्हाट अबाउट बिजनेस, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ़ायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। आप नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फ़ायदा भी हो सकता है हिट भी हो सकती है, मुमकिन है नुकसान भी हो जाए। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक नई ब्रांच ओपन करते हैं, मुमकिन है फ़ायदा हो जाए मुमकिन है नुकसान हो जाए। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे इंप्लॉयज़ नुकसान निकालते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि यार ये काम ठीक नहीं कर रहे, रिस्क लेते हैं ना बच्चे आप, एक इम्प्लॉय को निकालना इतना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा एसेट होता है इम्प्लॉय, निकालते हैं नए लोग लेकर आते हैं, पता नहीं नए लोग उससे ज़्यादा खतरनाक हो जाएं, और मुमकिन है कि उनके निकालने से ऑर्गेनाइजेशन का काम स्टक हो जाए, मुमकिन है बहुत फ़ायदा भी हो जाए। तो ये जो चीज़ें हमेशा से एक से ज़्यादा ऑप्शन रखती हैं उसे स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं, ये बात याद रहेगी भाई, आइंदा इसको भूलना नहीं। तो व्हाट इज़ प्योर रिस्क, ज़रा डेफिनेशन के मुताबिक देख लीजिए। There are only two possibilities: something bad happen or nothing happen. क्या मुराद है? या कुछ नहीं होना या नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना, उसे हम प्योर रिस्क कहते हैं। लेकिन बच्चे वो कहता है कि प्योर रिस्क को नॉर्मली, अब मैं ये कहूँ नहीं मैंने छत से छलांग मारनी तो गिरूंगा, गिर के टांग ही टूटेगी ना, तो वो कहता है कि इसके लिए कुछ कंट्रोल सम टाइम होते हैं, सम टाइम, लेकिन नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस, नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस। जैसे मैं आपसे कहूँगी मैं आग लगा देता हूँ, देखते हैं हम जलते हैं, जलते तो जलेंगे ना हम, लेकिन आप ये कहें जी कि मैं अपने ऊपर पानी फेंक लूँगा, ये कंट्रोल नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि शायद मुमकिन है कि आप कम जल जाएं, लेकिन जलेंगे आप फिर भी। तो इसी तरह प्योर रिस्क में उसने कहा हुआ है कि इसको किसी दर्जे में कंट्रोल किया जा सकता है, किसके थ्रू?
इंटरनल कंट्रोल्स लगा के, इससे क्या मुराद है मुझे प्लीज़, इससे मुराद ये नहीं है कि रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, इससे मुराद है रिस्क अकर नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? इससे क्या मुराद है? रिस्क अकर नहीं होगा, आएगा नहीं रिस्क, ये कह रहा है वो। वरना वो कहता अगर आ गया तो फिर इसने अपना काम पूरा ही करना है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ, प्योर रिस्क आर रिस्क दैट कैन ऑफन बी कंट्रोल्ड, ये नहीं कहा रिड्यूस्ड, कंट्रोल्ड ईदर बाय मीन ऑफ इंटरनल कंट्रोल और बाय इंश्योरेंस। क्या ख्याल है बच्चे? अभी मैंने क्या बताया कि अगर मुझे पता है कि यार गाड़ी चोरी हुई तो नुकसान कितना है, 30-35 लाख का नुकसान है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं इंश्योरेंस करवा लेता हूँ बस। ये बात याद रखें, इंश्योरेंस के पैसे पूरे नहीं मिलते, लेकिन चले रिस्क किसी दर्जे में वापस आ जाता है, किसी दर्जे में कंट्रोल हो जाता है, इज इट राइट? तो ये है बेसिकली, वो कह रहा है कि ये थोड़ा सा कंट्रोल है, ये एग्जाम में इस पर सवाल में भी आया हुआ, दो नंबर एक नंबर का क्वेश्चन था और उसने आपसे पूछा हुआ था कि रिस्क उसने बताया था, इंशाल्लाह कल इसको सवाल वो करेंगे, वो रिस्क उसने आपसे पूछा था और उसने कहा था कि बताइए ये कौन सा रिस्क है, तो आपने आंसर में सिर्फ ये बताना था कि ये बेसिकली वो इंटरनल कंट्रोल का रिस्क था, क्योंकि उसने बकायदा बताया हुआ था, उसने पूछा था कि वो कौन सा रिस्क है जो इंटरनल कंट्रोल लगा के मैनेज किया जा सकता है, तो आंसर क्या था, प्योर रिस्क। फाइन, स्पेकुलेटिव रिस्क, अ रिस्क दैट इज टेकन ऑन वॉलंटरली एंड कैन रिजल्ट इन ईदर प्रॉफिट और लॉस, तो ये स्पेकुलेटिव होता है, इसलिए इसको स्पेकुलेटिव कहते हैं, जिसका कंफर्म कोई चीज नहीं पता होती, जिसके टू ऑप्शंस होते हैं, वो आपका जो है बेसिकली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फिर बच्चे प्योर रिस्क कौन से रिस्क होंगे? इसका एक और नाम भी है, इसे स्टैटिक रिस्क भी कहते हैं। मैंने स्टैटिक क्यों है? कंफर्म पता है ना रिजल्ट, इसका रिजल्ट कंफर्म पता है इसलिए स्टैटिक है, तो इसे फिर क्या कहेंगे? इसे डायनामिक रिस्क कहेंगे। अब आपकी नजर में तो डायनामिक रिस्क क्या है भैया? इससे मुराद यही है ना कि कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई रिजल्ट कभी कोई रिजल्ट, सेम ही चीज है, कभी कुछ रिजल्ट आएगा कभी कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। ये देखिए इसने आपकी किताब ने बड़ा अच्छी एग्जाम्पल भी दी हुई है दोनों की। अ स्टैटिक रिस्क द टाइप ऑफ प्योर रिस्क दैट इज प्रिडिक्टेबल, यानी उसके बारे में तो पहले से पता है, एंड मेजरेबल एंड डज नॉट चेंज। एग्जाम्पल प्योर रिस्क, अ फ्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक रिस्क। कन्फर्म पता है कि फ्लड आएगा तो सब कुछ बहा के ले जाएगा, इसके बारे में यह सोचने की जरूरत नहीं, कुछ होता फायदा भी हो जाए, तो इसलिए ये सारा का सारा आपका कहलाएगा डायनेमिक और स्टैटिक रिस्क का बेसिक डिफरेंस। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज द मेन रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दैट इज ISO 31000। बच्चे आपने एक बात याद रखनी है, इसमें तीन चीज़ें हैं, मैंने शुरू में बताई थी, फ्रेमवर्क और उस फ्रेमवर्क के आगे दो चीज़ें हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। एग्जाम में उसने सब पार्ट नहीं पूछने, सवाल मेरा ध्यान सुन ले बच्चे, एक्सप्लेन फ्रेमवर्क ऑफ IS 31000, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ISO 31000, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ISO 31000। बस ये तीन सवाल है, सीधे सीधे काम, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन आपको तीनों का फ़र्क होना पता होना चाहिए, और कम अज़ कम अगर फ़र्क नहीं भी पता तो ये पता होना चाहिए, ये लिखना है, बस इतनी बात याद रखिए, वरना आप तंग होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? फ्रेमवर्क। लेकिन याद रखिए, इसी फ्रेमवर्क से क्या निकले हैं? प्रिंसिपल, और इसी फ्रेमवर्क से क्या निकले हैं? प्रोसेस निकले हैं। अब जरा देखिए बच्चे इसको ध्यान से, द रिस्क मैनेजमेंट इज नाउ एन इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन फॉर ऑल बिजनेस। क्या कह रहा है बच्चे? रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हर एक जगह पर जरूरी है। बच्चे क्या ख्याल है, आप हमेशा चाहेंगे ना कि रिस्क का इंपैक्ट कम से कम हो, अगर लॉस हो तो कम से कम हो, तो आप हमेशा ये जो आप मैं इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं रिस्क उसके लॉस को, ये मैनेजमेंट है, आप चाहते हैं, और रिस्क लिए बगैर आपका गुजारा भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कारोबार कैसे करेंगे, तो रिस्क लेना है ना आपने, तो आप रिस्क लेंगे, आप कारोबार करेंगे, आप घर से आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, क्या ख्याल है, अल्लाह माफ़ करे, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, तो आप इस रिस्क पे घर बैठ देंगे, नहीं यार मैंने बाहर नहीं जाना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, घर से निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, लेकिन हम इसके लिए क्या करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, घर से लेकर दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने ये दुआ बताई थी, ये दुआ पढ़ते हैं, अपने पर फूंकते हैं, अपने दोस्तों पर, अपने घर वालों पर, क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाए। तो क्या ख्याल है, ये क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जब इन्वेस्टमेंट करती है तो वो भी दुआओं पढ़ने के साथ साथ ये काम भी करती है, वो अच्छे इम्प्लॉयज़ रखती है, वो अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है, मार्केट का सर्वे प्रॉपर तरीके से करती है, कस्टमर की नीड एनालिसिस करती है, कंपेटिटिव एनालिसिस करती है, ताकि आइडिया हो जाए कि बिज़नेस को कैसे चलाना है।
ऑल ऑफ यू, तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन ही परफॉर्म करती है. सेकंड पार्ट, बिजनेस नीड प्रोफेशनल्स हु अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्क मैनेजमेंट ऑफ दोस रिस्क मैनेजमेंट सो दोस कैन वर्क फॉर मैनेजिंग रिस्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन. तो वो कहता है जो लोग बिजनेस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं उन्हें रिस्क मैनेजर कहते हैं. और वो रिस्क मैनेजर क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चे? इंटरनेशनल गाइडलाइन. एंड वन ऑफ द इंटरनेशनल गाइडलाइन इज व्हाट? आईएसओ 31000 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ऑन रिस्क मैनेजमेंट फॉर बिजनेस. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टू अंडरस्टैंड दोज गाइडलाइंस एंड वर्क फॉर इंप्रूविंग द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये बच्चे इसकी पूरी थ्योरी है कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से काम करती है और रिस्क मैनेजमेंट की क्या वर्किंग है. तो ये आईएसओ इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है. आगे फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है. द आईएसओ 31000 रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन प्रोवाइड प्रिंसिपल्स, मैंने अभी बताया था, फ्रेमवर्क एंड प्रोसेस फॉर मैनेजिंग रिस्क. इट कैन बी यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज एक्टिविटीज और सेक्टर. इसे क्या मुराद है? यानी इसके प्रिंसिपल, इसकी गाइडलाइन, इसका फ्रेमवर्क, इसका प्रोसेस छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब पे अप्लाई हो सकते हैं. ऑल ऑफ यू, आईएसओ, यही आपने एक्सप्लेन करना है बस एग्जाम के अंदर. आईएसओ 31000 कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. इससे क्या मुराद है कि जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी एक्टिविटीज बढ़ेंगी, इंप्रूव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस थ्रेट्स एंड इफेक्टिवली एलोकेट द यूज रिसोर्स ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट. यानी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, थ्रेट्स कम होंगे और रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ये यूटिलाइज करने का आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है. हाउएवर ISO 31000 कैन नॉट बी यूज फॉर सर्टिफिकेशन. बच्चे क्या कह रहा है? वो कहता है ये सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता. क्यों? आपको मालूम है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब मैन्युफैक्चर करती है, ये मेरा मार्कर है, ये मैंने मैन्युफैक्चर किया, तो साथ में लिखा हुआ आएगा कि ISO 9000 सर्टिफाइड. क्यों? ताकि कस्टमर को ये पता लगे कि यार इस प्रोडक्शन को ISO ने खुद देखा हुआ है और उन्होंने सर्टिफिकेशन दी हुई है, अब कस्टमर को बाय करना. अब चूंकि बच्चे ये इसका ताल्लुक था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है. ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. तो आई हाउ आवर ISO 31000 कैन नॉट बी यूज फॉर सर्टिफिकेशन पर्पज बट डज प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट प्रोग्राम. इससे क्या मराद है कि किन किन चीज़ों को आपने रीचेक करना. ऑडिट क्या होता है? रीचेकिंग, इवेल्युएशन, कि आपने किन किन चीज़ों की इवेल्युएशन करनी. कल मैंने बताया था इवेल्युएशन क्या होती है, काम करने के बाद. तो ये है बच्चे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. नाउ द बेसिक एरिया ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. ISO फ्रेमवर्क क्या है बच्चे? इधर देखिएगा. द पर्पज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इज टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन इंटेग्रेटिंग रिस्क मैनेजमेंट into significant activities and function. The framework has the following element. Number one, leadership and commitment. इसे क्या बनाता है बच्चे? ऐसा बंदा जो सही तरीके से लोगों की चलाने की सलाहियत रखता हो, उसको लोगों का हेड बनाया जाए. बच्चे एक बात तो बताइए, कॉन्ट्रावर्शल हो तो क्या खराब हेड होना चाहिए? आधे लोग मानेंगे, आधे लोग बात ही नहीं मानेंगे. इसी वजह से आप हमेशा मेजोरिटी को देखते हैं और ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होते हैं. और याद रखिए, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए सबसे बेहतरीन मैनेजर, सबसे बेहतरीन लीडर, सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल वो होता है जो असर्टिव होता है. नाम सुना आपने जी? मेरे असर्टिव उस शख्स को कहते हैं जो काम तो पूरा लेता है लेकिन बहुत ही खुशी सलूबी के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही शफकत के साथ काम नहीं छोड़ता. ऐसा नहीं कहना कि आप सबकी बात मान लेता है. जो सबकी बात मानता है उसे पैसिव कहते हैं. इन दोनों में एक ही फर्क है, दोनों के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं लेकिन असर्टिव बंदा काम भी पूरा लेता है
लेकिन पैसिव बंदा काम की फिक्र नहीं करता, बंदा कुछ कर देता है दवा। इसका मकसद बड़ा वाज़े है, पैसिव किस पे बेस करता है? पीपल ओरिएंटेड होता है, जबकि असर्टिव वर्क ओरिएंटेड भी होता है, पीपल ओरिएंटेड भी होता है। यह फर्क होता है बच्चे दोनों में। पैसिव सिर्फ पीपल ओरिएंटेड होता है, लोग खुश हो जाए बस, दैट्स ऑल, काम की खैर है। लेकिन जो पैसिव आदमी होता है, जो असर्टिव होता है, वो पीपल ओरिएंटेड भी होता है, टास्क ओरिएंटेड भी होता है। वो कहता है काम भी पूरा होना चाहिए, लोग भी खुश होना चाहिए। जी बच्चे अगली काम इंटग्रेशन, इसे क्या मुराद रही? इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी। फ्रेमवर्क ये कहता है कि बंदा आपने ठीक रख लिया, लीडर अच्छा रख लिया, लीडर कौन सा होना चाहिए बच्चे? मैंने क्या कहा? असर्टिव लीडर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ईमानदार भी हो। खाली प्रोफिशंसी, खाली कॉम्पिटेंसी तो काम नहीं करेगी ना, एथिकल भी तो होना चाहिए ना। लास्ट टाइम याद कीजिए मैंने HR में क्या तीन बातें बताई थी, नंबर वन क्वालिफाइड हो, नंबर टू कॉम्पिटेंट हो, नंबर थ्री एथिकल भी तो होना। पता लगे क्वालिफाइड भी है, पता लगे माशाल्लाह कॉम्पिटेंट भी है, लेकिन दबा के ब्राइब्स लेता है, दबा के सारे काम करता है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसलिए इंटेग्रिटी भी बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी ये बहुत ज़रूरी है। ये फ्रेमवर्क ये बता रहा है कि आप इस तरह काम करें, ये काम करने का तरीका बता रहा है। इससे क्या होगा? रिस्क कम से कम होगा। डिज़ाइन, वो कहता है हर काम को करने से पहले पहले प्रॉपर डिज़ाइन करें। भाई डिज़ाइन से क्या मुराद है? कि उसने ये नहीं कहा आर्ट का काम, एक प्लान, एक प्रॉपर प्लानिंग, हम ऐसे करेंगे, ये होगा तो ऐसे करेंगे, ये होगा तो ऐसे करेंगे, इसे हम कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग। तो डिजाइनिंग से मुराद है कि आपने बकायदा प्री प्लान या प्रॉपर प्लानिंग करके काम करना है। इंप्लीमेंटेशन, मैंने वो कहता है खाली प्लान की हद तक महदूद ना हो, फिर उसे बकायदा अप्लाई भी किया जाए। अप्लाई करने के बाद फिर क्या किया जा रही? रीचेक भी किया जाए, काम ठीक भी किया कि नहीं किया, और रीचेक करने के बाद फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट यानी अपडेट भी किया जाए। अगर कोई चीज कमी नजर आ रही है तो उसको ठीक किया जाए या उसको मॉडिफाई किया जाए। फाइन जी, तो इंशाल्लाह आपको किताब की जो है, मैं ये नहीं कह रहा किताब नहीं पढ़नी भाइयों, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डिपेंडेंसी ऑन बुक ख़त्म हो जाएगी। अब आपको लॉजिकली एक चीज़ को आप समझ सकते हैं। हाँ, अब इसमें आपको लफ्ज़ चाहिए ना, क्या कह रहा, जुमले चाहिए, वो आप किताब से ले लें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने लिखना इसमें यह है। तो अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी टू द टॉपिक अच्छी होगी तो आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फाइन, कॉम्पिटेंट बच्चे। नाउ द प्रिंसिपल्स, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या होते हैं बच्चे? गाइडलाइन होती है, प्रॉपर वे होता है काम कैसे करना है। लेट्स सी, नंबर वन कस्टमाइज्ड। मेरे कस्टमाइज से क्या मुराद है? रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आर टेलर्ड कस्टमाइज एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे वो कह रहा है कि ये ना हो कि आपने हाथी के पाँव में सबका पाँव, समझ नहीं आई बात को, इस बरा दी कि ये ना हो कि जो यहाँ अप्लाई हुआ वही यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन कुछ और है, इस ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन कुछ और है। वो कहता है रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस एज अकॉर्डिंग टू द कंपनी होना चाहिए। ऑल ऑफ यू, अगर आप एक जगह पर जो है वो बैंक में थे तो बैंक का रिस्क मैनेजमेंट और है, लेकिन आप इंस्टीट्यूट में हैं तो इंस्टीट्यूट का रिस्क मैनेजमेंट और है, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पर रिस्क मैनेजमेंट कुछ और है। तो वो कहता है कि ये हमेशा कंपनी के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा प्रिंसिपल है ना, यानी ये अच्छी गाइडलाइन है हमारे लिए। नंबर टू ह्यूमन एंड कल्चर फैक्टर्स। बच्चे वो कहता है रिस्क मैनेजमेंट के आपने प्रिंसिपल तो बना दिए हैं, लेकिन किसी इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर बच्चे मैं कहता हूँ आप 24 घंटे खड़े रहेंगे तो 24 घंटे में सोएंगे कब? आपने कहा नहीं, रिस्क आ सकता है, यहाँ तो कोई बंदा गुजर गया तो वो तो सारा डाटा उठा के ले जाएगा। तो भाई उसका आसान हाल ये है कि मैं 6 घंटे आपकी ड्यूटी लगाऊं, 6 घंटे इनकी लगाऊं, 6 घंटे इनकी लगाऊं, दिन में 6-6 घंटे की 4 शिफ्टें लगाऊं,
तो आराम से चार बंदे ये काम करेंगे, सब लोग फ्रेश भी रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं एक इंसान को जादू समझना शुरू कर दूं और रिमोट समझना शुरू कर दूं तो आप कभी भी उससे काम ही नहीं सकेंगे। वो एक दिन तो 24 घंटे खड़ा रहेगा, तो अगले दिन क्या करेगा, सोएगा कब, काम कब करेगा। ये याद आपने याद रखनी है कि ह्यूमन और इंसान, ह्यूमन बींग से अपोजिट कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो कहता है द रिस्क मैनेजमेंट एट ईच लेवल टेक ह्यूमन एंड कल्चर फैक्टर इनटू अकाउंट। इंसानों की जो वीकनेस है उसका ध्यान रखना है, उसका ख्याल रखना है आपने। इंटीग्रेशन यानी इंटेग्रिटी, ईमानदारी का ख्याल रखना है। ये मैंने अभी फ्रेमवर्क में भी पढ़ा था। रिस्क मैनेजमेंट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि रिस्क का जो काम है वो किसी एक पोर्शन पर नहीं होना चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इसका इतलाक होना चाहिए। ये ना हो कि मेरे लिए तो हो आपके लिए ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, मेरे वो कहता है चूंकि आपने प्लानिंग करनी है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद कीजिए पिछले फ्रेमवर्क में उसने क्या कहा था। मैंने कहा था ना फ्रेमवर्क से प्रिंसिपल निकल रहे हैं सारे के सारे, तो उसके मुताबिक ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास जो आपने प्लानिंग करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। ये ना हो कि आधी प्लानिंग के आधी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आप प्लान बना के अपना काम शुरू कर दें। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ लिखा भी हुआ इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट हो, वक्त पे मिले, आसानी से पढ़ी जा सके एंड अवेलेबल ऑन रेलेवेंट स्टेक होल्डर। जिसने उस पर काम करना उसको भी मिलनी चाहिए, दैट इज इंफॉर्मेशन। नाउ द वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन, द पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू क्रिएट प्रोएक्टिव वैल्यू, प्रोटेक्ट वैल्यू। भाई इससे क्या मुराद है? डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का, इससे फायदा हासिल होना चाहिए। बच्चे मैंने रिस्क मैनेजमेंट में ऐसा काम नहीं करना, मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे घर के अंदर कोई बंदा जो है वो चोरी कर सकता है, तो मैं घर के ऊपर बिजली की तारें लगा के उस पर करंट छोड़ दूँ, तो मुझे क्या ख्याल है, रिस्क तो बच जाएगा लेकिन क्या ख्याल है, आने वाला चाहे थीफ है लेकिन क्या मर नहीं जाएगा, उसमें करंट लगेगा, नुकसान तो होगा ना। तो इसका आसान हाल एक और भी है, आपने देखा होगा बर्गलर अलार्म बजते हैं, वो आप अपने घर पर लगा लें, उस तार के साथ अटैच कर दें, वो जैसे उस तार को हाथ लगाएगा या वहाँ से सेंसर के जरिए वहाँ से मूव करेगा, सेंसर बता देगा कि बंदा गया है, तो बर्गलर अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे। तो चलो इससे वो भाग भी सकता है और आप आसानी से किसी को पकड़ भी सकते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट तो हो रही है फिर भी, तो आपने प्रोटेक्ट करना मकसद है, किसी को नुकसान पहुँचाना मकसद नहीं होना चाहिए, वो ये कह रहा है। नेक्स्ट डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिव टू चेंज। इससे क्या मतलब है? जैसे रिस्क आए उसको मुताबिक उसको चेंज, ये ना हो आपने कहा बस एक दफा काम कर लिया अब दोबारा तब्दीली नहीं आनी चाहिए। हमने भी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था फ्रेमवर्क में इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। नेक्स्ट इंक्लूसिव अ ट्रांसपेरेंट एंड इन्वॉल्व स्टेक होल्डर ऑन अ टाइमली बेसिस। मेरे इसे क्या मुराद है कि रिस्क मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और सबको पास पहुंचनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड, इसे क्या मुराद है? वेल डिजाइंड होनी चाहिए। ये बच्चे ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पीछे देखी हुई हैं, ये देखिए डिज़ाइन भी होनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट भी आनी चाहिए और इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट, ये सारी वही है। मैंने कहा था फ्रेमवर्क से ही आगे क्या निकलने हैं, प्रिंसिपल्स, और फ्रेमवर्क से निकलना प्रोसेस। जी रिस्क मैनेजमेंट इज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक से क्या मनाते हैं, इसका कोई बकायदा रूल हो, एक बकायदा निज़ाम के तहत चले एंड स्ट्रक्चर्ड हो। एंड द लास्ट वन कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट, इससे क्या मुराद है बच्चे? अपडेशन मुसलसल होती रहनी चाहिए। द रिस्क मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअली इंप्रूव थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। कुछ नई बातें आपको पता लगे उसको भी अप्लाई करें, और जो आपके साथ पिछले साल या पिछले टाइम पीरियड में जो हैपनिंग हो चुकी है उसको लर्न, जो आपने लर्न किया उसकी बुनियाद पर नई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को अप्लाई करें। ऑल ऑफ यू नाउ द लास्ट वन दैट इज ISO 31 रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। मेरे प्रोसेस क्या होता है ये याद रखिए आइंदा जिंदगी में, इसे प्रोसेस कहते हैं। ये स्टार्ट है और ये एंड है। यानी रिस्क प्रोसेस की खूबी ये होती है घूम के उसने वहीं आना होता है, इसलिए कि जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है फिर दोबारा वहीं आ जाता है। आप अपनी मिसाल लेना ज़िंदगी की, क्या करते हैं आप हर साल हर छः महीने के बाद एक नई क्लास में बैठते हैं, पढ़ते 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 एग्ज़ाम देते हैं,
फिर अगली क्लास में फिर शुरू हो जाते हैं। प्रोसेस है ना बच्चे आपका, ये इंसानी ज़िंदगी है, ये ऐसे ही चलती है। जो प्रोसेस होते हैं वो यही से काम शुरू करते हैं। व्हाट अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटिंग, जो आपका लाइफ साइकिल होता है, आप हर साल से कैपिटल से काम शुरू करते हैं, रोज़ाना एंट्रियाँ करते हैं, साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, फिर काम शुरू करते हैं, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे हर साल आप ये काम करते रहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, ये है बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशनल साइकिल। नंबर वन वो कहते हैं इस प्रोसेस में क्या होना है, कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन। नाम से वाजे है बच्चे क्या करना है होना है, वो कहता है कम्युनिकेशन करके फिर काम शुरू करना है, बगैर बताए काम शुरू नहीं करना। देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क अक्रॉस की स्टेक होल्डर। बड़े की से क्या मरा था, जिन जिन पर उसका इतलाक होना है सबको बताएं इसके फायदे, इसके नुकसान, इसको कैसे करना है, इसे क्यों करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों फायदेमंद है, ये सारी बात उसको बताना जरूरी है। ये सबसे पहला काम है कोई भी काम शुरू करने से पहले। नंबर टू, स्कोप कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कस्टमाइजिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे इस रिस्क मैनेजमेंट से कंपनी को क्या क्या फायदे होंगे वो बताने हैं। यहां एक बात आपने एग्जामिनर को बतानी है बच्चे, कि आपके ये जो फायदे हैं ये फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। फिर एक और डायमेंशन बतानी है, ये टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। इनटेंजिबल क्या है बच्चे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में रेपुटेशन, रेपुटेशन है ना बच्चे, आप बताएंगे यार हमारे इस काम की वजह से हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी। अब ये सारा का सारा इंटेंजिबल है, इसकी कोई आपके पास वे नहीं है। इवन दो आप अकाउंटिंग के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ी होगी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी आप इस तरह की बातें एंटर नहीं कर सकते, बल्कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक यही है कि उसमें इनटेंजिबल चीज़ों को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, हालांकि उनकी भी इंपॉर्टेंस होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। रिस्क असेसमेंट, मैंने इससे क्या मुराद है, नए से नया रिस्क असेस करते रहना। आपने रिस्क मैनेजमेंट कर ली है तो क्या ख्याल है जिंदगी में दोबारा रिस्क नहीं आएगा, कोई और रिस्क आ सकता है। रिस्क असेस करते रहे और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। मुझे क्या ख्याल है, अगर आप आर्मी में एज ए डिफेंस जो है बेसिकली हेड हो तो क्या ख्याल है, आपने देख लिया कि आपने सारा कुछ ठीक कर लिया, दोबारा तो जिंदगी में कभी जंग नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं से भी दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने हर वक्त कीप योर आइज ओपन कि और क्या क्या हो सकता है, असेस करते रहें और अपने रिस्क मैनेजमेंट में उसको ऐड करते जाएं। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द रिस्क असेसमेंट कंसिस्ट और रिस्क आइडेंटिफिकेशन, नए से नए रिस्क आइडेंटिफाई करना, फिर उसका एनालिसिस भी करना और फिर उसको इवेल्युएट भी करना। रिस्क ट्रीटमेंट, इससे क्या मुराद है, उस रिस्क के अगेंस्ट कोई ना कोई आपने हल निकालना है ना उसका। रिमाइंड बिजनेस लीडर्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिस्पॉन्स, आपने रिस्पॉन्स देखना क्या देना है यहां पर, क्या अब आपने इस रिस्क के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना है। मॉनिटरिंग, ये तो नाम से वादे, कल भी मैंने बताया था जो काम चल रहा होता है उसको आपने बकायदा तौर पर रीचेक करना होता है कि वो काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। एंड द लास्ट वन व्हाट, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, इससे क्या मतलब है, हर चीज की बकायदा तहरीर मौजूद हो कि क्या किया था, कब किया था, कब क्या हुआ था, तो आपने क्या एक्शन लिया था। This is very much important for you, all of you, yes, and thank you very much. तो आज का बच्चे हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो इनशाला अब कल हमारे पास एक बड़ा डोमेन रह गया है, 5 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल, चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 3 सोशल एंड लीगल, चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है आगे फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, 5 भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है। तो कल इनशाला ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे, साथ में एक बड़ा सवाल करेंगे पेस्टल का, और उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है इंशाल्लाह कल हम ये भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।